ऑलराइट जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम को अस्सलाम वालेकुम, और जिन्होंने सलाम किया उनको वालेकुम सलाम। आज हमारा एक्सेल बेसिक टू एडवांस लास्ट सेशन 60 अगस्त 2020। राइट, सो हसबे मामूल एजेंडा के तहत पहले हम डिस्कस करेंगे अपने क्वेश्चंस को। अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो वो मैसेज बॉक्स के अंदर उसे ड्रॉप कर सकता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि फर्स्ट कुछ मिनट्स के अंदर उनके क्वेश्चंस को मैं एड्रेस कर सकूँ, एंड देन उसके बाद फिर हम अपने एजेंडा की तरफ ऑलराइट जी, जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम को अस्सलाम वालेकुम। तो जो क्वेश्चंस मेरे पास इस वक्त रिसीव हुए हैं वो तीन क्वेश्चंस हैं, और मैं चाह रहा हूँ कि उनको मैं पहले से एड्रेस कर लूँ और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो मेरे पास जो पहला क्वेश्चन रिसीव हुआ है, एक्चुअली ये जो तीनों क्वेश्चन रिसीव हुए हैं वो एक ही पार्टिसिपेंट शेख की तरफ से रिसीव हुए हैं, तो मैं उनके क्वेश्चन को एड्रेस कर देता हूँ एंड देन फिर उसके बाद हम आगे डिस्कशन अपनी स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि अगर हम कि अगर हमारे पास सर आपने एक एग्जाम्पल दी थी कि अगर हम एक बैंक के अंदर काम कर रहे हैं और हमारे पास अगर अगर डिफरेंट ब्रांचेस से अलग अलग फाइल्स रिसीव होती हैं तो उन सब को मिलाकर हम जो है वो डाटा कैसे पॉपुलेट करेंगे। तो ये जो टॉपिक है या ये जो क्वेश्चन है इसको मैं एड्रेस करूँगा आज के सेशन के अंदर, कि डाटा अगर हमारे पास डिफरेंट सोर्सेस से आ रहा है, अगर वो एक ही बुक में है, डिफरेंट शीट्स के अंदर है, तो हम उसे कैसे एक्चुअल में पेमेंट का पार्ट बना सकते हैं या उसे हम कैसे मर्ज करके डैशबोर्ड का पार्ट बना सकते हैं। तो एक टेक्निक हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो थोड़ी देर में भी इस क्वेश्चन को मैं एड्रेस कर दूंगा। दूसरा सवाल इन्हीं साहब ने पूछा है कि मेरे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होनी चाहिए जिसमें मैं एम्प्लॉय का आईडी या उसका नाम टाइप करूँ तो उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट मुझे सर्च करके नज़र आ जाए। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए हमें मैक्रोज लिखने पड़ेंगे, और मैक्रोज के ज़रिए ये पॉसिबल है कि आपके पास एक सर्च बॉक्स हो जिसमें आप एम्प्लॉय का आईडी टाइप करें और वो डेटाबेस में जिस भी एम्प्लॉय का आईडी हो एग्जैक्टली वो उस डेटा से मैच करते हुए जो भी अवेलेबल फील्ड्स है उसमें रिकॉर्ड या सेल्स के अंदर रिकॉर्ड जो है वो शो करना शुरू कर दें। तो एक्सेल के अंदर हमारे पास ड्रॉप डाउन में सर्च का बटन बनाने का कोई नॉर्मल मेथड नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये काम हम मैक्रोज़ के ज़रिए ज़रूर कर सकते हैं, और मैक्रोज़ आपको पता है कि हमने जो कवर किया था इस 3 आवर्स के सेशन के अंदर, तो जो रिकॉर्डिंग के टूल के ज़रिए, तो उसके ज़रिए हमने सारी पॉसिबिलिटी देखी थी। प्लस मैंने अपनी मैक्रोज़ की वीडियोस का लिंक भी शेयर किया हुआ है ग्रुप में, तो अगर आप इस तरह की कोई एक्टिविटी क्रिएट करना चाहते हैं तो पहले आपको डिटेल में मैक्रोज़ और उसके कोड्स को समझना होगा, देन इंशाल्लाह आप ये डेवलप करना ज़रूर सीख जाएंगे। तो आप मेरी वीडियो से डेफिनेटली इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तीसरा सवाल इन्हीं साहब ने किया था कि अगर मुझे डाटा को अरेंज करना है और लाइक सॉर्ट की मदद से, कि मेरे पास जो है वो तमाम एम्प्लॉयज़ के नेम आ जाए अकॉर्डिंग टू द जो जो भी डेजिग्नेशन आप सेट करें उसके अकॉर्डिंगली डाटा जो है वो पॉपुलेट करें, तो ये कैसे पॉसिबल होगा। तो इसके लिए हमने ये, मैं क्वेश्चन का आंसर जो है वो एड्रेस कर देता हूँ, और आई एम श्योर कि ये उनकी क्वेरी रिजॉल्व हो जाएगी इस तरह से, तो 3 में से 2 क्वेश्चन का आंसर उनको मिल जाएगा। ठीक है जी। ओके, सो मेरे पास यहाँ पर एम्प्लॉय का एक डेटाबेस मौजूद है और मैं चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट के हिसाब से मैं तमाम रिकॉर्ड को सॉर्ट कर लूँ। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले करना ये है कि डिपार्टमेंट के पूरे कॉलम की कॉपी क्रिएट करनी है, और बराबर में एक सेल पर जस्ट लाइक अ हेल्पर सेल उस पर ये रिकॉर्ड को पेस्ट करना है, एंड देन उसके बाद यूनिक रिकॉर्ड हमें क्रिएट करने हैं इसमें से। सो हम जाएंगे डाटा के टैब में, रिमूव डुप्लीकेट, और हम सिंपली डिपार्टमेंट के कॉलम को रिमूव करेंगे एंड देन डुप्लीकेट वैल्यूज़ लेकर आएंगे। सो हमारे पास तमाम अब यूनिक वैल्यूज़ यहाँ पर अवेलेबल है। मैं चाहता हूँ कि तमाम कस्टमर सपोर्ट के रिकॉर्ड जो है वो पहले आ जाएं, फिर एचआर वाले, फिर फाइनेंस वाले, मार्केटिंग वाले, आईटी वाले, तो इस क्राइटेरिया के बेस पर एक्चुअल में डाटा सॉर्ट हो जाए। तो नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि इन तमाम रिकॉर्ड्स को मैं सेलेक्ट करूँगा एंड देन उसके बाद फाइल ऑप्शंस, और यहाँ से हम जाएंगे एडवांस
एडवांस में सबसे बॉटम पे जाकर कस्टमाइज एडिट कस्टम लिस्ट में जाकर यहाँ से हम अपनी लिस्ट को इंपोर्ट करवाएंगे। ये लिस्ट हमारे पास जो हमने सेलेक्ट की है वो यहाँ अवेलेबल हो गई है। इस लिस्ट को मैंने इंपोर्ट करवा दिया है, पहले से भी एक लिस्ट है, उसको डिलीट कर देते हैं। राइट, सो ये लिस्ट मेरे पास इंपोर्ट हो गई। फाइनली ओके किया एंड देन ओके किया, बाहर आ गए। उसके बाद डिपार्टमेंट के सेल पे मौजूद हैं, सॉर्ट के ऑप्शन में चले गए और हमने कहा कि आप सॉर्ट करें डिपार्टमेंट के सेल को, लेकिन सेल वैल्यू की जगह सेल वैल्यू ही होना चाहिए, लेकिन ए टू जी या जेड टू ए की जगह हमें सॉर्ट करना है कस्टम लिस्ट के अकॉर्डिंगली। सो हम कस्टम लिस्ट को सिलेक्ट करके जो हमने ये लिस्ट प्रिपेयर की थी उस लिस्ट को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे एंड देन फाइनली ओके। एंड देन ओके करेंगे, आप देखें ये रिकॉर्ड जो है वो सॉर्ट हो गया। तो फर्स्ट हमारे पास कस्टमर सपोर्ट्स आ रहे हैं, देन ह्यूमन रिसोर्स आ रहे हैं, देन फाइनेंस आ रहे हैं, देन मार्केटिंग आ रहे हैं। तो जो लिस्ट हमने यहाँ पर प्रिपेयर की है उसके अकॉर्डिंगली डाटा को सॉर्ट करने की टेक्निक हमने देखी। तो आप कोई भी मेथड अप्लाई करते हुए डाटा को अगर सॉर्ट करना हो तो ये कैसे पॉसिबल होगा, ये हमने यहाँ पर कवर किया इस टॉपिक को। ठीक है, तो आई एम श्योर कि पहले जो तीन क्वेश्चन मेरे पास आए हैं उसमें से एक हमने समझ लिया, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो दूसरे क्वेश्चन को भी एड्रेस करना अभी हम करेंगे। ओके, और कोई क्वेश्चन है सर? इम्पोर्ट वाला समझा दें, इम्पोर्ट वाला क्या समझना है? मोहम्मद जावेद, अगर आप थोड़ा सा मुझे बता दें कि डाटा को इम्पोर्ट कैसे करते हैं, ये आपको समझना है डिफरेंट सोर्सेज से 2003 में नहीं हो रहा है। देखो, आपका जो एक सवाल मुझे याद पड़ता है वो ये था कि एक्सेल की फाइल को ही एक्सेल के अंदर इंपोर्ट करना है। मोहम्मद जावेद, आपका ये सवाल मेरा ख्याल से है कि एक्सेल की फाइल को ही एक्सेल में इंपोर्ट करना है, तो ये कैसे होगा? अगर आपका यही सवाल है तो मुझे यस लिख के बता दें। मोहम्मद जावेद मेमन, हसन मजीद, आपने लिखा है प्रेजेंट। ओके, मोहम्मद जुनेद, आपने पूछा है कि व्हाट अबाउट द बेसिक इम्पॉर्टेंस ऑफ मैक्रोस। मैक्रोस का एक्चुअली पर्पस ये है कि डाटा को आप ऑटोमेट कर सकते हैं, सिंगल क्लिक के ऊपर आप अपने काम को लेकर आ सकते हैं। सो वो चीज़ें जो आप बार बार कर रहे होते हैं, एक्चुअल में आप उसको अगर सिंगल क्लिक पर लाना चाहें तो आप मैक्रोस क्रिएट करते हैं ऑटोमेट करने के लिए, रिपीटिटिवली टास्क को कम करने के लिए आप मैक्रोस क्रिएट कर रहे होते हैं। मोहम्मद मुश्ताक राजा, सर हाउ टू पॉपुलेट डेट आफ्टर कलेक्शन फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स डेटा। ओके, डेटा आफ्टर कलेक्शन ऑफ डिफरेंट रीजन्स और मल्टीपल शीट एंड रिफ्लेक्ट मास्टर शीट ऑटोमेटिकली। जी नवीद, ये सवाल जो है वो शेख का भी है, तो अभी मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ कि अगर हमारे पास डाटा डिफरेंट शीट के अंदर है या डिफरेंट बुक के अंदर है तो उसको आप कैलकुलेट करके या कंबाइन करके एक शीट में कंसोलिडेट करके आप कैसे लेकर आ सकते हैं, तो ये हम अभी इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक यही है हमारा। सर ये तो पहले भी पढ़ा था। जी मुझे मालूम है, एक्चुअली एक साहब का सवाल था इसीलिए मैंने उसको एड्रेस किया है। सर हाउ टू पॉपुलेट डेटा आफ्टर, ओके ये हो गया है। इंडेक्स मैच का फार्मूला बता दें, तो इमदाद इंडेक्स मैच का फार्मूला मैं पूरी कोशिश करता हूँ अभी सेशन में कवर कर लूँ, अदरवाइज आप देखेंगे तो पिछली वीडियोस के अंदर इंडेक्स मैच की वीडियो अगर आप देख लें मेरी, एक स्पेशली मैंने फार्मूला से रिलेटेड पूरी वीडियो बनाई है जिसमें 2 घंटे हमने डिटेल में वी लुकअप, इंडेक्स मैच, ऑफसेट, इनडायरेक्ट चूज, इन तमाम फंक्शन पर बात की है, तो आप ज़रूर उसको देखिएगा, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपकी। मोहम्मद जावेद, मैं अभी आपको बता देता हूँ आपका सवाल भी डेफिनेटली, फिर इसका मतलब है कि नवीद मुश्ताक राजा ने जो पूछा है वैसा ही है कि डाटा उनके पास डिफरेंट शीट के अंदर है, इधर वो रीजन वाइज है, डेट वाइज है, सेल्स वाइज है, तो उसको आप कैसे इंपोर्ट करते हैं ये मैं बता देता हूँ अभी आपको। शेख मोहम्मद कासिम, आपने जो 3 सवाल पूछे थे उसमें से पहले का जवाब दे दिया है, दूसरे का जवाब मैं देने जा रहा हूँ और तीसरे के लिए आपको मैक्रोस की लर्निंग करनी पड़ेगी, तो आप मेरी वीडियोस देख लीजिएगा मैक्रोस की, उसके ज़रिए सर्च का ऑप्शन क्रिएट किया जा सकता है थ्रू कोड, वैसे एक्सेल में कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। जीशान, बिल्कुल ऐसे होगा कि अटेंडेंस शीट में अगर आपने हेडिंग में मंथ को चेंज कर दिया और डेट 1 जनवरी से 31 जनवरी तक कर दी, तो ऑटोमेटिकली उसके जो डेज हैं उससे रिलेट, अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपने लगाई भी होगी कि वीकेंड्स को वो सपोज रेड कलर से दिखा दे और वीक डेज को वो फॉर एग्जाम्पल उसमें दिखा दे
सपोज ग्रीन कलर से दिखा दें, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं बिल्कुल, तो बिल्कुल आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नौशाबा नसीम, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डाटा की प्रिपरेशन से रिलेट प्री प्रोसेसिंग का जो प्रोसेस है उसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात कर लूँ, जैसे कि आपसे ऑलरेडी डिस्कस हुआ था, तो मैं बिल्कुल ज़रा सी उस पर बात करूँगा। अदरवाइज एक अच्छी सी वीडियो मुझे सर्च हुई है, तो नौशाबा मैं ग्रुप के अंदर वो पोस्ट कर दूँगा कि डाटा की प्री प्रोसेसिंग से रिलेट जो है वो क्या होता है, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, और अब मेरा ख्याल है क्वेश्चन को हम लोग ड्रॉप करना यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं, और जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो डाटा की जो सबसे पहले प्री प्रोसेसिंग है उसको समझ लेते हैं, एंड देन उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि डाटा अगर मल्टीपल शीट के अंदर है और मल्टीपल बॉक्स के अंदर है तो उसको कैसे हम यहाँ पर लेकर आ सकते हैं, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। राइट, देखो सबसे पहली चीज़ तो ये कि डाटा जब भी आप सर्वे करते हैं तो आपके पास एक कलेक्शन ऑफ डाटा अवेलेबल होता है। हमेशा ये याद रखना कि डाटा आपके पास आ कैसे रहा है, आप उसकी एक्टिविटी परफॉर्म कैसे कर रहे हैं, आप उसकी उसको गैदर कैसे कर रहे हैं, ये समझना हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट रहती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं सर्वे करता हूँ और मुझे सर्वे की मदद से डाटा जो है वो अवेलेबल होता है, तो उसकी मेरे पास प्री प्रोसेसिंग क्या होगी? मेरे पास कोई फील्ड ऑफिसर्स होंगे, वो मार्केट में जाएंगे, देन उससे रिलेट वो एक सर्वे फॉर्म क्रिएट, उनके पास प्री प्रिंटेड मौजूद होगा, वो उसमें डाटा कलेक्ट करेंगे यानी टाइप करेंगे, एंड देन उसको सिस्टम पे इंसर्ट करेंगे। अब डाटा जब सिस्टम पे इंसर्ट किया जाता है तो सिस्टम को समझाया जाता है। अब अलग अलग सॉफ्टवेयर के अंदर अलग अलग डाटा टाइप उसको बतानी पड़ती है। ठीक है, एक्सेल के अंदर ब्यूटी यह है कि आपको डाटा की डाटा टाइप को नहीं बताना पड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर आप फॉक्स प्रो पे, विजुअल बेसिक पे, ऑरिकल पे, सैप पे, ईआरपी पे काम करते हैं, डॉट नेट पे काम करते हैं, तो डाटा को इंसर्ट करने से पहले डाटा की फील्ड आपको बतानी पड़ती है कि फर्स्ट कॉलम में अगर आप इम्प्लॉय के आईडीज़ लिखने वाले हैं तो ये आईडी एक्चुअली किस कैटेगरी से बिलोंग करती है, लाइक नेम्स हैं, लाइक उसके अंदर अल्फा न्यूमेरिक इंसर्ट होगा या नंबर इंसर्ट होगा। तो नॉर्मली सपोज करें कि अगर आप जब भी सर्वे करते हैं और एक कस्टमर को रजिस्टर्ड करते हैं तो उसको न्यूमेरिकली रजिस्टर्ड करते हैं, आईडी देते हैं, लाइक 1 2 3 4। तो प्री प्रोसेसिंग क्या हुई कि आपने थोड़ी सी ब्रेन स्टॉर्मिंग की कि मैं डाटा इंसर्ट लेने वाला हूँ, उससे रिलेट इन्फॉर्मेशन मैं सबमिट एक पेपर पे लाइक टाइप करूंगा, देन सिस्टम के अंदर इंसर्ट करूंगा, और ये मेरी फील्ड होगी एज अ न्यूमेरिकल फील्ड, जिससे मुझे बेनिफिट ये होगा कि जब मैं समरी रिपोर्ट क्रिएट करूंगा तो मुझे टोटल काउंट पता चलेगा कि लास्ट आईडी मैंने कौन सी इशू कर दी है, अब मुझे नेक्स्ट आईडी कौन सी इशू करनी है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स मेरे पास कितने हैं। तो इट मीन्स के जो पहली आईडी मैंने टाइप की, मैंने सबसे पहले दिमाग में रखा कि मैंने करना क्या है। ठीक है, मुझे काउंट निकालना है, मुझे इन्फॉर्मेशन जो है वो रजिस्टर्ड करनी है, तो उसकी जो फील्ड है वो डाटा टाइप है, वो एज न्यूमेरिक है। सेम इसके बाद अगर मैं कस्टमर को रजिस्टर्ड कर रहा हूँ उसके नेम के हिसाब से, कोई भी इम्प्लॉई रजिस्टर्ड हो रहा है, कोई भी प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हो रही है, कस्टमर रजिस्टर्ड हो रहा है, तो एक्चुअल के अंदर ये हमें तमाम इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है एक्चुअली नेम बेस्ड के अंदर। तो नेम जो है वो एज अ कौन सा कैरेक्टर होगा, और जो है वो उसकी डाटा टाइप टैक्स होगी, उसमें मैं डाटा इंसर्ट करूँगा, उसमें मैं इन्फॉर्मेशन इंसर्ट करूँगा, एंड देन उससे रिलेट डाटा की जो है वो पॉपुलेशन होगी। नेम के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ मेरे पास नहीं आनी चाहिए। तो मैंने जब सर्वे बनाया तो मैंने देखा कि यार टैक्स की फील्ड होगी नेम की फील्ड, बिकॉज़ कि उसमें ABCD लिखा जाएगा, लोगों का नाम इरफान अली, आतिफ, रिजवान, जाहिद, मोहम्मद, तो ये जो सारे नाम हैं ये टैक्स बेस्ड हैं। तो उसकी मैंने प्री प्रोसेसिंग की कि वो डाटा किस फॉर्मेट के अंदर आएगा, और डेटाबेस को मैंने सिखाया कि डाटा जो है वो एज अ टेक्स्ट फॉर्मेट में आएगा। सेम तरीके से अगर मैं सर्वे कर रहा हूँ तो सर्वे की डेट है, अगर मैं एम्प्लॉय का डेट ऑफ बर्थ लिख रहा हूँ या उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिख रहा हूँ, या मैं किसी सर्वे पर गया हूँ अगर फॉर एग्जांपल, और मैं जिस आपको जिस फैमिली का सर्वे कर रहा हूँ उसकी डेट में इंसर्ट कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि डाटा मुझे इंसर्ट करना है एज अ डेट फॉर्मेट में। अब हमारा जो सिस्टम है वो डेट में किस फॉर्मेट को समझता है, DDMMYYYY, यानी दो मरतबा DD डेट को, दो दफ़ा MM मंथ को, और चार दफ़ा YY को समझता है। तो मैं उसी फॉर्मेट के अंदर, फॉर्म के अंदर डाटा की का इनपुट करूंगा, सिस्टम को जो है वो उसी तरह से मैं डाटा रिक्वायर्ड करूंगा, एंड देन सेम तरीके से मैं आकर अपने डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करूंगा। और पहले मुझे क्या इंसर्ट करना है, पहले DD है या MM है, मेरा सिस्टम समझता क्या है, या हम जिस फॉर्मेट में काम करते हैं वो फॉर्मेट एक्चुअली
क्या है, ठीक है। तो ये प्री प्रोसेसिंग होगी जो फॉर्म के वक्त मैंने प्लानिंग की कि मुझे डाटा किस तरह से इंसर्ट करना है, एंड देन उसके बाद सर्वे के बाद वो डाटा मैंने सिस्टम पे इंसर्ट किया, एंड देन सो ऑन। अगर इसी तरह से मैं एम्प्लॉय की एज लिख रहा हूँ या एम्प्लॉय की सैलरी लिख रहा हूँ, तो वो नंबर एज अ न्यूमेरिकल होगा। नंबर डाटा लिखने से फ़ायदा ही होगा कि वो एज अ जो है वो कैलकुलेटेड परफॉर्म कर सकेगा, सम का फार्मूला उसके ऊपर अप्लाई हो सकेगा, एंड देन रिजल्ट जो है वो एंड के अंदर हमें कैलकुलेटेड पर्पस के अंदर नज़र आ सकेगा। तो ओवरऑल अगर मैं ये समझूं कि डाटा मेरे पास जो है वो किस तरह से पॉपुलेट होने वाला है, एंड रिजल्ट किस तरह से पॉपुलेट होने वाला है, उससे रिलेटेड जो प्लानिंग हम कर रहे होते हैं इसको हम लोग प्री प्रोसेसिंग कहते हैं, एंड देन उसके अंदर हम ख्याल रखते हैं कि बाइनरी जा रहा है, इंटीरियर जा रहा है, स्ट्रिंग वैल्यू जा रही है, तो ये पूरी एक फॉर्मेशन है। एक्सेल के अंदर अच्छी बात ये होती है कि सेल के अंदर आपको ये डिफाइन नहीं करना पड़ता कि जो कॉलम आप क्रिएट करने जा रहे हैं वो एज अ स्ट्रिंग होगा या इंटीजर होगा। स्ट्रिंग का मतलब होता है कि उसमें टेक्स्ट नंबर इंसर्ट होने वाला है या न्यूमेरिकल नंबर इंसर्ट होने वाला। तो ये डाटा की टाइप आपको बतानी नहीं पड़ती, आप सिर्फ हेडर टाइप करते हैं, देन उससे रिलेट नीचे डाटा इंसर्ट करते रहते हैं और वो डाटा आपका टाइप होता रहता है, ठीक है। जबकि दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर आपको ये बताना पड़ता है, जिसके नाम मैंने पहले भी अर्ज किया आपसे। तो आप जब सिस्टम की डाटा टाइप बताते हैं कि इस कॉलम के अंदर कौन सी फील्ड्स इंसर्ट होगी और वो कैसे बिहेव करेगी, ये जो पूरी एक्टिविटी होती है इसको हम लोग आमतौर पर प्री प्रोसेसिंग कहते हैं। या प्री प्रोसेसिंग की जो डेफिनेशन है उसका ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपसे शेयर किया। तो आई एम श्योर कि मैं इस पर जो है वो मज़ीद बात करूँगा, मतलब जो वीडियोस एक बहुत अच्छी मुझे मिली है तो मैं उसको ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, तो जिनकी ये रिक्वायरमेंट है तो वो डेफिनेटली इससे बेनिफिट ले सकते हैं। देन उसके बाद जो क्वेश्चन अब मेरे पास रिपीटिटिवली आ रहा है, जो अभी तीन चार लोगों ने भी पूछा, वो ये कि डाटा अगर हमारे पास डिफरेंट बुक के अंदर मौजूद है या डिफरेंट शीट के अंदर मौजूद है तो उसको हम लोग एक्चुअल में कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये हम अपने फर्स्ट टॉपिक यहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर कि जी मेरे पास एक फ़ाइल है डेटा फ्रॉम डिफरेंट शीट के नाम से, और मैंने इस फाइल को ओपन किया है। अब यहाँ पर आप ये भी सीख रहे हैं कि डेटा अगर एक्सेल के अंदर ही है तो इम्पोर्ट कैसे होगा। जैसे एक साहब ने सवाल किया कि एक एक्सेल की बुक के अंदर ही डेटा है और दूसरी एक्सेल की बुक के अंदर उसको इम्पोर्ट करना है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा। तो मेरे पास एचआर की एक बुक है जो मैंने बहुत बिगनिंग में ये बुक आपसे शेयर की थी। इसमें हर एक कस्टमर को मैंने यहाँ पर डिफरेंट शीट के अंदर डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये सिंध की एक वर्कबुक है मेरे पास, जिसमें सॉरी शीट है मेरे पास जिसमें तमाम वो एम्प्लॉयज़ का डाटा है जो सिंध से प्रोविंस से बिलोंग करते हैं, देन उसके बाद पंजाब प्रोविंस से जो लोग बिलोंग करते हैं उसका डाटा यहाँ पॉपुलेट हो रहा है। सेम तरीके से केपीके का डाटा पॉपुलेट हो रहा है, और लास्ट में बलूचिस्तान प्रोविंस से जो स्टाफ बिलोंग करता है ये डाटा मेरे पास पॉपुलेट हो रहा है, ठीक है। तो अब मुझे ये सीखना है कि डाटा अगर डिफरेंट बुक के अंदर मौजूद है, सॉरी बुक एक ही है लेकिन डिफरेंट शीट के अंदर मौजूद है, और मुझे क्यूमुलेटिवली इस डाटा को मर्ज करके एक मास्टर बुक के अंदर लेकर आना है, जिससे फ़ायदा ये होगा कि ये डाटा जो है वो एक मास्टर बुक के अंदर आ जाएगा, एक फ़ायदा ये होगा, प्लस अपेंड होगा। अपेंड का मतलब है कि एक के नीचे एक फाइल आ रही होगी। ये चारों जो प्रोविंस है ये अलग अलग हैं, ठीक है। तो जब तक मैं इन चारों प्रोविंस को मिलाऊंगा नहीं तब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कि पैन पाकिस्तान मेरा हेड काउंट क्या चल रहा है, मेरे पास जो है वो टोटल इन्फॉर्मेशन क्या आ रही है। तो मुझे मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं इस फाइल को आपस में कंबाइन करूं, ये कैसे पॉसिबल होगा, ठीक है। और अगर एक ही शीट का डाटा है तो फिर तो आसान है, डायरेक्टली आप इसको इंपोर्ट कर लें। अच्छा, अब मैं कर ये रहा हूं कि इस डाटा को मैं चूंकि मुझे कंबाइन करना है तो मैं इसी फाइल के अंदर इसे कंबाइन नहीं करूंगा बल्कि किसी दूसरी वर्कबुक के अंदर उसे कंबाइन करूंगा या अपेंड करूंगा, जिसको मैं कॉमनली वर्ड यूज करूंगा। उससे फायदा मुझे ये होगा कि अगर ये मेरी जो मास्टर डेटाबेस है जिसका नाम डाटा फ्रॉम डिफरेंट शीट है, इस मास्टर बुक के अंदर मैं कस्टमर्स अगर नए ऐड करूंगा तो मेरी जो अभी मैं कॉन्सुलेटेड की एक शीट बनाऊंगा उसके अंदर डाटा जो है वो सिंपल क्लिक करने से, रिफ्रेश करने से वहां पर नजर आना शुरू हो जाएंगे। अगर मैं इवन एक नई शीट भी ऐड करूंगा तो ऑटोमेटिकली उस शीट का डाटा भी मेरे कॉन्सुलेटेड के अंदर नजर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल हर तरह से जो है वो हम लोग इसको कंबाइन करेंगे एंड देन एक फाइनल रिजल्ट पॉपुलेट करने की कोशिश करेंगे। सो पॉइंट इज दैट कि मैं अपनी इस डेटाबेस के अंदर कोई काम नहीं करूंगा। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू सेलेक्ट क्लोज दिस प्रोग्राम, और मैं एक्सेल की एक न्यू फाइल ओपन कर रहा हूं, एंड देन उसके बाद मैं एक ब्लैंक फाइल सेलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। और इसके बाद मैं जा रहा हूं डाटा के टैब के अंदर, और गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा के नाम से मेरे पास एक
पूरा ग्रुप मौजूद है जिसमें डिफरेंट टूल्स हैं। एक्चुअल में ये कहलाता है पावर ग्यूरी, ठीक है, और ये एक्सेल 2016 और 2019 और ऑफिस 365 के अंदर बिल्ट इन है। तो अगर आपके पास एक्सेल 2013 है तो आपको इसे डाउनलोड करना पड़ेगा, और गूगल से आप इसको सर्च कर सकते हैं। इसका नाम है पावर क्यूरी फॉर एक्सेल, और ये ख्याल रखना होगा कि 64 बिट है या 32 बिट है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसको सर्च करेंगे। लेकिन अगर आपके पास 2016 है तो उसमें तो ये बिल्ट इन है, 19 के अंदर 365 में तो बिल्ट इन है, तो आपको फिर कुछ एडिशनल इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। और हमने सीखा है कि माइक्रोसॉफ्ट के जितने एडवांस वर्जन है वो हमें नई फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं, कुछ नया सीखने में हमें हेल्प करते हैं, तो बेहतर है कि हम अपने सिस्टम्स को अपग्रेड कर लें और नई नई टेक्नोलॉजी या नए सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल कर लें। अच्छा, यहाँ पर जो हम यूज़ करेंगे वो होगा गेट डाटा के अंदर, और गेट डाटा में फ्रॉम अदर सोर्स। गेट डाटा का मतलब है कि डाटा आप किसी भी दूसरी लोकेशन से ला रहे हैं। जैसे अभी हमारे दोस्त का एक सवाल था कि मुझे एक्सेल सी की फाइल को लेकर आना है, ठीक है, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप डाटा फ्रॉम वर्कबुक में चले जाएंगे, और दूसरी वर्कबुक जो आपकी एक्सेल की है। सो ये ब्राउज कर रहा है, और मैं यहां से बता दूंगा कि मुझे एक दूसरी फाइल, फॉर एग्जाम्पल, ये मौजूद है एचआर डेटाबेस, एम्प्लॉय डेटाबेस की, एचआर डेटाबेस की जो फाइल है ये इंपोर्ट करवानी है, और जस्ट मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। और चूंकि ये सिंगल फाइल के ऊपर बात हो रही है, ठीक है, तो इसलिए इसका बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है कि आपने डायरेक्टली गेट डाटा में जाकर एक्सेल को सेलेक्ट किया और ब्राउज करके उस पाथ पर गए, उस लोकेशन पर गए जहाँ पर एक्चुअल में आपकी फाइल मौजूद है। उस फाइल को जस्ट आपने सेलेक्ट किया, उस फाइल में जितनी भी चीज़ें मौजूद हो रही हैं, जितनी भी शीट्स मौजूद हैं, टेबल्स हैं, डाटा है, वो सब नज़र आ रहे हैं। सो अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये मेरे पास टेबल 4 है, टेबल 5 है, ठीक है, एचआर डेटाबेस की शीट मुझे पूरी नज़र आ रही है, ये शीट मुझे चाहिए। सो मैंने इस शीट को सेलेक्ट किया, और फॉर एग्जाम्पल मैं यहीं पर ही इसे ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ एक दफ़ा। ट्रांसफॉर्म करने से फ़ायदा ये होगा कि इसका जो नेम है वो मैं थोड़ा सा यूनिक बना दूंगा, और आपको मैं ये बता दूं कि ये पावर क्यूरी का बैक एंड इंटरफेस है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ऊपर एचआर डेटाबेस की फाइल मैंने इंपोर्ट की भी है, और ये पावर क्यूरी एडिटर के अंदर बेसिकली डाटा यहाँ पर मुझे नज़र आना शुरू हो गया, ठीक है। तमाम एम्प्लॉय के आईडीज़ हैं, नेम है, हाई डेट है, और उससे रिलेट नीचे तमाम हेडर्स जो है वो मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और जो सेल ब्लैंक होंगे आपकी मास्टर डेटाबेस के अंदर, तो आपको यहाँ नल नज़र आ रहा होगा। नल मीन्स ब्लैंक है, आपकी डेटाबेस के अंदर कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं, तो कन्फ्यूज नहीं होना। अच्छा, ये है हमारा एचआर डेटाबेस के नाम से क्यूरी, और अब मैं जा रहा हूँ क्लोज एंड लोड के बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, और क्लोज एंड लोड के बटन पर क्लिक करने से डाटा एज अ टेबुलर फॉर्मेट में यहाँ पर मेरे पास इंसर्ट हो गया। तो ये मैंने क्या किया है, एक्चुअल में लिंक क्रिएट किया है, डाटा इंपोर्ट किया है अपनी मास्टर डेटाबेस में से, और आप देख सकते हैं कि 425 टोटल रिकॉर्ड जो मेरी मास्टर डेटाबेस में है वो यहाँ पर इंपोर्ट हो गए हैं। अच्छा, अब एक काम करते हैं, सपोज करें कि मेरे पास जो है वो, जैसे सिटी के अंदर एक एग्जाम्पल दे देते हैं कि सिटी के अंदर मेरे पास जो है वो इस्लामाबाद का कोई भी सिटी मौजूद नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं अपनी मास्टर डेटाबेस में जाकर इस्लामाबाद की एक सिटी को ऐड करता हूँ, तो क्या वो यहाँ पर लाइव पॉपुलेट करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा या नहीं करेगा, तो हम देख लेते हैं। तो मैं चला जाता हूँ अपनी बेसिक की फाइल पे, और एचआर डेटाबेस को मैंने इंपोर्ट किया था, आपको याद है, ये मेरी मास्टर डेटाबेस है जो किसी दूसरी लोकेशन पर हो सकती है, शेयर्ड फोल्डर पर हो सकती है। और यहाँ से मैं 426 एक नया एम्प्लॉई हायर कर लेता हूँ, और इसे आईडी दे देता हूँ 426, नाम सपोज उसका ऐड कर लेता हूँ इरफान, और इसकी हायरिंग हुई है 1 जैन 2020 को, और इस्लामाबाद में, ठीक है, जो कि पंजाब में है, और फुल टाइम है 2020 है, और बाकी इन्फॉर्मेशन को मैं वैसे ही रहने देता हूँ, ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही रहने देते हैं, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। और अब मैं इस फाइल को सेव कर रहा हूँ, कंट्रोल एस, मैंने फाइल को सेव किया, फाइल को क्लोज किया। यहाँ पर डाटा अभी नज़र नहीं आ रहा, 425 ही है, मैंने सिर्फ इसको रिफ़्रेश बटन प्रेस करना है। ये देखें 426 पे एक नया स्टाफ, एक नया एम्प्लॉई नज़र आना शुरू हो गया, इस्लामाबाद से इरफान, और उसकी कंप्लीट डिटेल्स जो है वो मुझे यहाँ पर पॉपुलेट हो रही है। तो ये तो था कि जी डाटा अगर किसी मास्टर वर्कबुक के अंदर मौजूद है और आप उस डाटा को इंपोर्ट करना चाहें तो ये कैसे पॉसिबल होगा, तो एक साहब ने जो सवाल किया था उसको एड्रेस कर लिया। अच्छा, और
बैकहेंड पे डाटा चेंज होगा तो यहाँ रिफ्रेश होगा, ये भी समझ लिया। लेकिन मेरी जो क्वेरी है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, और वो डिफरेंट क्या है कि डाटा जो है वो डिफरेंट शीट्स के अंदर मौजूद है, एक शीट पर नहीं है, एक से ज़्यादा शीट के अंदर डाटा मौजूद है, तो वो कैसे आएगा। तो उसके लिए मुझे जाना होगा इसी डाटा के टैब के अंदर, गेट डाटा के अंदर, और फ्रॉम अदर सोर्सेस में यहाँ से सेलेक्ट करना होगा ब्लैंक क्यूरी को। और ब्लैंक क्यूरी में आने के बाद मुझे अपनी फाइल का लोकेशन, किस फोल्डर के अंदर फाइल मौजूद है और उस फाइल का नाम क्या है, वो मुझे सेलेक्ट करना होगा। मीनवाइल ये कोड मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इसको बाद में नोट कर लीजिएगा अपने पास। तो मेरे पास ये कोड नाम की एक फाइल है, इसको समझा देता हूँ, आपके लिए क्लैरिटी हो जाएगी। जो एक्चुअल कोड मेरा ये रिक्वायरमेंट है ना, वो है इक्वल टू एक्सेल डॉट वर्कबुक ब्रैकेट ओपन फाइल डॉट कंटेंट्स, ठीक है। तो ये एक्चुअल मेरी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद ये मेरी पूरी लोकेशन है, जिस जो डेफिनेटली आपके सिस्टम के हिसाब से बदल जाएगी, मेरे सिस्टम के हिसाब से बदलेगी, अपने ऑफिस में काम करेंगे तो उसका पाथ जो है वो बदल जाएगा, रूट बदल जाएगा। तो ये कुल जो कोड है वो चाहिए। अच्छा, ये कहलाता है एम लैंग्वेज, और ये केस सेंसिटिव होता है। आप देख सकते हैं कि प्रॉपर केस में लिखा हुआ है, हर वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल है और रेस्ट ऑफ द लेटर्स जो है वो स्मॉल के अंदर लिखे हुए हैं। और इसके अंदर एक्सेल डॉट वर्कबुक फाइल डॉट कंटेंट्स एंड देन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मुझे पूरी लोकेशन लेनी है। तो लोकेशन कैसे लाएंगे, तो इस फोल्डर से मुझे फाइल लेनी है जिसका नाम है डाटा फ्रॉम डिफरेंट शीट, ये वाली फाइल चाहिए। तो सबसे पहले मैंने इसके फोल्डर की लोकेशन पे क्लिक किया, कंट्रोल सी किया कॉपी, और यहाँ आकर पेस्ट किया, तो ये पूरा लोकेशन मेरे पास पेस्ट हुआ। लोकेशन के साथ मुझे फाइल के नाम को कनेक्ट करना है, तो लास्ट में बैक स्लैश दिया, फाइल को नेम को सेलेक्ट किया, यहाँ पर कीबोर्ड से F2 बटन प्रेस किया, कॉपी रीनेम की शॉर्टकट है, कंट्रोल सी कॉपी किया, कोड में गए, प्रेस कंट्रोल V प्रेस किया, सो ये फाइल का नाम पेस्ट हो गया .xlsx। सो ये एक्सेल की फाइल है, सो मैंने इसको एक्सेल का एक्सटेंशन दे दिया, ठीक है। तो ये कोड मेरी रिक्वायरमेंट है, और ये बदलता रहेगा, आपको पता है, सिर्फ इसमें पाथ बदलता रहेगा, बाकी सारी चीज़ें इसमें सेम रहेगी। सो इस पूरे कोड को मैंने सेलेक्ट किया कंट्रोल सी, और मैं चला जाता हूँ अपनी पावर क्यूरी की इस विंडो में, जिसको मैंने ओपन किया था, आपने देखा था ब्लैंक क्यूरी सेलेक्ट किया था, तो ये पावर क्यूरी की विंडो ओपन हो गई। इसमें ये फॉर्मूला बार की स्क्रीन आ रही है, यहाँ पर मैंने कोड को पेस्ट किया कंट्रोल वी एंड देन इंटर किया, और ये डाटा लुकअप हो गया, यहाँ डाटा उसे मिल गया, ठीक है। जो डाटा इसे मिला है उसमें सिंध, पंजाब, KPK, बलूचिस्तान है, ये डाटा यहाँ पर पॉपुलेट हो रहा है अकॉर्डिंग टू द साइज, और जो एक्चुअल डाटा है ना वो यहाँ इस डाटा नाम के टेबल में है। तो हमेशा याद रखना कि पावर क्यूरी में जिस कॉलम के अंदर डाटा मौजूद होगा उसका कलर जो है वो शेडेड होगा, और माउस जब ओवर करेंगे तो हाइपरलिंक का सिंबल नजर आएगा, जबकि रेस्ट ऑफ द चीज़ें होंगी वो आपको एज अ टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर नजर आएगी, क्लिक करने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, पावर क्यूरी में अंडू का ऑप्शन नहीं होता, अगर आपने कोई स्टेप गलत कर दिया तो वो डिलीट नहीं हो सकता। तो उसका तरीका ये होता है कि आप अगर कोई स्टेप गलत हो जाए तो यहाँ पर अप्लाइड स्टेप्स के अंदर जाकर उसको रिमूव करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मुझे नीचे डाटा नज़र आ रही है, सिंध का डाटा है, ठीक है, सेकंड पे क्लिक कर रहा हूँ, ये पंजाब का डाटा है, KPK का डाटा है, एंड देन बलूचिस्तान का डाटा है। अच्छा, मुझसे क्या हुआ, गलती से बलूचिस्तान के टेबल पे क्लिक हो गया और ये डाटा लाइव पॉपुलेट हो गया, तो मुझसे मिस्टेक हो गई, चूँकि मुझे एक ही प्रोविंस मुझसे सेलेक्ट हो गया गलती से, अभी तीन और प्रोविंस है या शीट्स थी जो कि सेलेक्ट नहीं हुई गलती से। तो आपको पर कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आप यहाँ नेविगेशन देखेंगे, अप्लाइड स्टेप के अंदर आकर नेविगेशन के इस क्रॉस पे क्लिक करेंगे, आप दोबारा अपनी मेन स्क्रीन पर वापस आ जाएंगे, यानी स्टेप्स आपने डिलीट किया, तो जितने भी स्टेप्स आपने अगर गलत लगा दी हैं तो उनको आप क्रॉस करते जाएंगे एंड देन अपनी असल लोकेशन पर आएंगे। अब यहाँ पर मुझे चाहिए सिंपल यही कॉलम, रेस्ट ऑफ द कॉलम की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो मैं अपने कॉलम पर राइट क्लिक करता हूँ एंड देन रिमूव फर्दर कॉलम करता हूँ। सो मेरे पास अब ये सिंपल डाटा रह गया, रेस्ट ऑफ द कॉलम्स मेरे ऑफ हो गए, और यहाँ पर आकर मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। सो मेरे पास यहाँ पर कंबाइन का एक बटन दिया हुआ है, जस्ट मैंने इस पर क्लिक किया। अब ये प्रॉब्लम क्या है कि जो कॉलम के नाम है ना वो ऑर्गेनाइज नहीं है, ये हमने खुद ने भी रियलाइज़ किया था कि आप देखें कॉलम के नाम 1, 2, 3, 4 में आ रहे हैं जबकि हेडर हमारे नीचे आ रहे हैं। तो इसको हम फिक्स करेंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन फिलहाल जब मैं इसको एक्सपेंड करने जा रहा हूँ तो ये मुझसे कह रहा है कि आपके ये सारे कॉलम्स हैं, क्या इनको आपने ओरिजिनली एक्सपेंड करना है। और अगर कभी आपको इस तरह से एरर आ जाए, लिस्ट में भी इनकम्प्लीट, तो आप लोड मोर के बटन पर क्लिक करेंगे एंड देन ओके करेंगे, तो डाटा आपके पास यहाँ पर लाइव पॉपुलेट हो जाएगा। उसके बाद मुझे अपनी जो फर्स्ट हेडिंग है उसको हेडर बनाना है। सो मैं अपने इस हेडर पे राइट क्लिक करता हूँ फर्स्ट बॉक्स पे,
एंड यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर का ऑप्शन यूज़ करता हूँ. सो आप देखें बिल्कुल हेडर के नाम मेरे पास ऑर्गेनाइज हो गए. और अगर डाटा की टाइप जैसे इसने खुद पिक कर ली कि ये 1 2 3 है यानी न्यूमेरिकल टाइप है, देन ABC है, ये टेक्स्ट टाइप है, ये डेट टाइप है, तो अगर कभी ये डाटा की टाइप को खुद से पिक ना कर सके सही से, तो आपको करना ये होगा कि कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल प्रेस करना होगा. आप जाते हैं ट्रांसफॉर्म डाटा के अंदर और यहाँ से सेलेक्ट करते हैं डिटेक्ट डाटा टाइप को, तो आपके डाटा की टाइप जो है वो ऑर्गेनाइज होती है. इस सिचुएशन में हमें कोई खास बेनिफिट नहीं होगा बिकॉज के ऑलरेडी हमारे डाटा की टाइप बिल्कुल सही है. अच्छा, अब मैं जब अगर किसी भी उस पर क्लिक करता हूँ लाइक कॉलम के ऊपर, तो मुझे देखें तमाम मेरे प्रोविंस नज़र आ रहे हैं, सिटीज़ नज़र आ रहे हैं, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, KP के नहीं बल्कि हैदराबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और क्वेटा, ये तमाम मुझे डिटेल्स नज़र आ रही हैं. लेकिन आप एक चीज़ ऑब्जर्व करें कि यहाँ पर सिटी नाम की हेडिंग भी नज़र आ रही है. ठीक है, इसी तरह से अगर मैं प्रोविंस पे जा रहा हूँ तो मुझे एक तो तसल्ली हो गई कि मेरा पंजाब, KP के सिंध और बलूचिस्तान ये सारे जो है वो अपेंड हो चुके हैं एक मास्टर फाइल के अंदर. और आप एक चीज़ और भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पर प्रोविंस नाम की एक हेडिंग भी जो है वो नज़र आ रही है. तो चलें इसको देखते हैं कि ये है क्या. तो जब मैंने प्रोविंस के ऊपर क्लिक किया तो इसने मुझे तीन हेडिंग्स एक्चुअल में यहाँ पर पॉपुलेट कर दी. तो मुझे समझ में आ गया कि जब मैंने डाटा चूंकि चार डिफरेंट शीट से इंपोर्ट करवाया है, यहाँ पर लुकअप करवाया है, तो फर्स्ट शीट की जो हेडिंग थी उसको तो मैंने हेडर बना दिया, लेकिन तीन डिफरेंट जो शीट के अंदर हेडिंग्स थी वो यहाँ पर रिपीटेटिवली मुझे नज़र आ रही है, जिसकी मुझे एक्चुअल डेटाबेस के अंदर नीड नहीं है. तो हम क्या करेंगे कि किसी भी एक कॉलम पे, आइदर आप सिटी में, प्रोविंस पे या एम्प्लॉयमेंट टाइप पे, कहीं भी एक जगह पर रहते हुए आप तमाम फील्ड्स को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन उसमें जो हेडिंग रिपीट हो रही है जिसकी आपको नीड नहीं है उससे चेक आप हटा देंगे एंड देन ओके करेंगे, तो आपके पास एक यूनिक डाटा आ जाएगा. और आप देखें यहाँ जो सिटी नाम की हेडिंग थी अब वो मिस हो गई है, वो गायब कर दी आपने. इसी तरह से एम्प्लॉयमेंट टाइप के अंदर भी डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट टाइप की हेडिंग आ रही थी, वो हमने हटा दी है. तो हमारे पास डाटा जो है वो अब एक यूनिक एंड ऑर्गेनाइज फॉर्मेट के अंदर यहाँ पर पॉपुलेट हो रहा है. अब फाइनली मुझे करना यह है कि इस शीट को एक क्यूरी चूंकि कंबाइन हो चुकी है, सो मैं इसे नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ऑल प्रोविंस. और मैं इसे इंटर कर रहा हूँ और मैं चला जाता हूँ होम के टैब के अंदर एंड क्लोज एंड लोड के बटन में. अच्छा, क्लोज एंड लोड जब अभी हमने थोड़ी देर पहले भी आपने देखा था कि क्लोज एंड लोड पे क्लिक करने से क्या हुआ था कि ये डाटा आपस में कंबाइन हो गया था और एक्सेल की एक शीट के अंदर आपने देखा था वो डंप हो गया था. ठीक है, तो अभी भी यही होगा कि जब मैं क्लोज एंड लोड करूंगा तो ये चारों फाइलें जो शीट्स थी मेरी वो चारों आपस में मर्ज हो चुकी हैं बैकएंड पे, और यहाँ पर मेरे पास एक क्लीन एंड ऑर्गेनाइज डाटा यहाँ पॉपुलेट हो रहा है, तमाम प्रोविंस मुझे नज़र आ रहे हैं. और मैं अगर तमाम रिकॉर्ड्स देख लूँ तो कीबोर्ड से 425 मेरे जो है वो तमाम प्रोविंस नज़र आ रहे हैं मुझे. अच्छा, अब अगर मैं अपनी इसी इसी का पेवेट बना लेते हैं. ठीक है, तो हमें पता है कि हम इंसर्ट में जा सकते हैं, पेवेट टेबल पे आ सकते हैं, और ऑल प्रोविंस का ये डेटाबेस है, इसे मैंने सेलेक्ट कर दिया. एक न्यू शीट पे मुझे पेवेट क्रिएट करना है, सो न्यू शीट पे पेवेट क्रिएट हो गया. और यहाँ से सपोज करें कि मैं प्रोविंस वाइज स्टाफ की बेस सैलरी को देखना चाहता हूँ, तो यहाँ देखें मुझे चारों प्रोविंस जो है वो कैलकुलेटेड नज़र आ रहे हैं, और मैंने चूंकि उसको एज अ टैक्स न्यूमेरिकली यहाँ पर देखा है तो वो मेरे पास पॉपुलेट भी हो रही है. अच्छा, अब एक चीज़ और हम ये देखते हैं कि मिसाल के तौर पर बैकएंड पे डेटाबेस में मैं कोई चेंजिंग करता हूँ. फॉर एग्जांपल मैं चला जाता हूँ अपनी उसी मास्टर फाइल के अंदर, डाटा फ्रॉम डिफरेंट शीट जो मेरी फाइल थी उसे मैं ओपन करता हूँ, और इस बुक के अंदर एक नई शीट ऐड कर देता हूँ. ठीक है, सो मैं बलूचिस्तान की शीट पर राइट क्लिक कर रहा हूँ, मूव अ कॉपी शीट कर रहा हूँ, एंड ऑफ द शीट जाकर इसकी डुप्लीकेट क्रिएट कर रहा हूँ, और इसको नाम मैं सपोज दे देता हूँ GB, गिलगित बल्किस्तान, इसका एक नाम दे देता हूँ, और प्रोविंस के अंदर इसको रिप्लेस कर देता हूँ GB के नाम के साथ, और इसकी जो सिटीज़ हैं उसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसकी फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है. तो मैंने इसके सिटीज़ के नेम को जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया, और इसके जो IDs हैं वो डुप्लीकेट ना हो जाएं, तो इसलिए मैंने इसको स्टार्ट किया लाइक 451 से एंड देन 452, और दोनों सीरियल नंबर्स को सेलेक्ट करके मैंने इसे फिल डाउन कर दिया. सो ये मेरे पास तमाम सीरियल्स अवेलेबल हो गए. टोटल रिकॉर्ड अब मेरे पास रह गए 517. अब मेरे टोटल रिकॉर्ड हो गए और एक नया जो है वो मैंने GB भी ऐड कर दिया है. और मैं इस फाइल को सेव कर रहा हूँ कंट्रोल एस, और इस बुक को मैं क्लोज करता हूँ, और अपनी मास्टर जो अपेंड की थी मैंने ये फाइल जिसमें क्यूरीज अप्लाई किए हुए, इस क्यूरी की शीट पे आ गया हूँ.
और मैं आपको ये दिखा दूं कि इस वक्त आप देख सकते हैं कि GB का डाटा यहाँ पर कॉल नहीं हुआ। सिर्फ मुझे क्या करना होगा, अपनी इस क्यूरी वाली शीट पे जहाँ मैंने क्यूरी क्रिएट की है वहाँ पर जाकर डिज़ाइन के टैब से मैंने रिफ्रेश बटन प्रेस करना है। डाटा यहाँ पर अवेलेबल हो गया, देखें ये GB का डाटा आ गया। सेलेक्ट ऑल से मैं चेक हटाता हूँ, सिर्फ GB पे क्लिक करता हूँ। आप देखें हुंजा और तमाम एम्प्लॉय IDs 451 से शुरू होकर 417 पे क्लोज हो रहे हैं, तो ये मेरे पास एक क्यूमुलेटिवली डाटा पॉपुलेट हो गया। ठीक है, मैंने फिल्टर ख़त्म कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस किया, फिल्टर ख़त्म हो गया। उसके बाद मैं अपनी पेवेट की शीट पे चला जाता हूँ, यहाँ पर भी मुझे क्या करना है, सिर्फ रिफ्रेश बटन प्रेस करना है। सो एनालाइज के टैब में जाकर मैंने रिफ्रेश का बटन प्रेस किया, आप देखें GB का डाटा यहाँ पर पॉपुलेट हो गया। तो हमने सीखा कि डाटा अगर हमारे पास डिफरेंट शीट के अंदर अवेलेबल है और हमें उसको कंबाइन करना है तो इसके लिए हमें सिंपल टेक्निक्स अप्लाई करनी है, ब्लैंक क्यूरी और पावर क्यूरी के ज़रिए। एक्चुअल में ये हम टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं, डाटा लाइफ हो जाएगा। और जब भी हम अपनी मास्टर डेटाबेस के अंदर चेंज करेंगे हमें सिर्फ आकर यहाँ पर रिफ्रेश बटन प्रेस करना है, अपने पेवेट्स पे सिर्फ रिफ्रेश बटन प्रेस करना है, और इवन अगर आगे डैशबोर्ड्स बने हुए होंगे तो उस पर भी रिफ्रेश बटन प्रेस करना है। सारी स्टोरी जो है वो सिंगल क्लिक पर आ जाएगी। तो एक दफ़ा मेहनत करनी है, उसके बाद चीज़ें जो है वो हमारे लिए बड़ी सिंपल और स्वीट होती चली जाएगी। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमने जो काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स के क्वेश्चन थे उसको भी एड्रेस कर लिया है, क्लियर है सारी चीज़ें। तो फिर हम आगे बढ़ जाएं, आगे जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अगर किसी के पास कोई सवाल है तो काइंडली उसको ड्रॉप कर दें, और अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट एजेंडा पे चल रहे हैं कि अगर डाटा हमारे पास डिफरेंट बुक के अंदर अवेलेबल है, इस दफ़ा हमारे पास शीट थी, नेक्स्ट टाइम अगर डिफरेंट बुक्स होगी तो डाटा को हम कैसे कॉल करेंगे, तो ये भी एक टेक्निक हम देख लेते हैं। ओके, सो व्हाट आई बिलीव के किसी के पास कोई सवाल नहीं है तो हम नेक्स्ट एजेंडा पे चले जाते हैं। जो नेक्स्ट एजेंडा है हमारा, उसमें हम देखेंगे कि डाटा अगर डिफरेंट बुक के अंदर अवेलेबल है तो उस डाटा को हम लोग एक्चुअल में कैसे यहाँ पर पॉपुलेट करा सकते हैं। ओके, सो अब स्टोरी ये है मेरे पास कि अगर डेटा में मेरे पास जो है वो डिफरेंट बॉक्स हैं, एक फोल्डर है जिस इस फोल्डर के अंदर डिफरेंट बॉक्स के अंदर जो है वो वही HR की फाइल है, लेकिन अब की बार कहानी सिंपल ये कर दी है कि सिंध का डाटा जो है वो अलग बुक में कर दिया है, पंजाब का अलग है, KPK का अलग है। तो उन सब बुक्स के डाटा को आपस में कंबाइन कैसे करेंगे और उसको हम लोग कैसे पॉपुलेट करेंगे। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग करते ये हैं कि हमें एक टेक्निक सिर्फ चाहिए होगी, और वो ये कि डाटा फ्रॉम द फोल्डर। तो एक्सेल की एक ब्लैंक फाइल लेते हैं, मोहम्मद वजैफा, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर डाटा की फॉर्मेशन या जो हेडर है उसके कॉलम के नाम अगर सेम नहीं होंगे तो क्या होगा। तो अगर डाटा के, इसको सिर्फ इतना सा समझ लो कि पावर क्यूरी काम कैसे करता है। पावर क्यूरी काम करता है कि कॉलम के नाम सेम होने चाहिए, ये एप्पल टू एप्पल हेडर को मैच करता है। मिसाल के तौर पर वो देखता है कि बलूचिस्तान की बुक के अंदर एक हेडिंग है जिसका नाम है ID, ठीक है, दूसरी हेडिंग है फुल नेम। तो आपकी जो दूसरी बुक है फॉर एग्जाम्पल KPK की, तो उसके अंदर भी एक फाइल है जिसका हेडर है ID और दूसरा हेडर है फॉर एग्जाम्पल फुल नेम। तो वो क्या करता है कि हेड एप्पल टू एप्पल मैच करता है, इस ID के कॉलम के नीचे दूसरी बुक में अवेलेबल ID के कॉलम के डाटा को कॉपी पेस्ट कर देता है। सिमिलरली जो दूसरी हेडिंग है फुल नेम की, उस डाटा को कॉपी करता है दूसरी हेडिंग के नीचे। तो डाटा को जो है ना वो ये मैच करता है एप्पल टू एप्पल। कॉलम के नाम का सेम होना बहुत ज़रूरी है, कॉलम के नाम अगर डिफरेंट होंगे तो डाटा सही से पॉपुलेट नहीं करेगा। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कॉलम की पोजीशन कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं ID के कॉलम को कॉलम A से कट करके कॉलम Z में डाल दूं, या कॉलम ईयर के कॉलम को यहाँ से हटाकर ID की जगह ले जाऊं, ID के कॉलम को कट करके ईयर की जगह ले जाऊं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉलम की पोजीशन आगे पीछे है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कॉलम के नाम सेम होने चाहिए। यहाँ पर इसका नाम
आईडी ही होना चाहिए, इस एम्प्लॉय आईडी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर फुल नेम होना चाहिए, एम्प्लॉय नेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई सैलरीज है तो उसका जो नाम है वो टोटल कंपनसेशन ही होना चाहिए। पॉइंट यही है कि कॉलम के नाम जो है वो सेम होंगे तो ये वर्क करेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है जी। तो आई बिलीव के उज़ैफ़ा का ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया। नाउ अब कहानी ये है कि डाटा मेरे पास जो है वो डिफरेंट बुक के अंदर है और मुझे उस डाटा को यहाँ पर इंपोर्ट करना है, तो ये कैसे हम इंपोर्ट कर सकते हैं। सो ऐसी सिचुएशन में हम जा रहे होते हैं अगेन डाटा के टैब में ही, और हम जाते हैं गेट डाटा, और फ्रॉम फाइल की जगह हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं फ्रॉम फोल्डर। इससे पहले हमने एक एग्जांपल देखी थी कि वर्कबुक से डाटा लाना है, अगर आपके पास डाटा किसी और सोर्स में लाइक TXT में है, शेयर पॉइंट पर है, एक ही फोल्डर में डाटा है सेम टाइप का, डिफरेंट डेटाबेस सोर्सेज हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, SQL है, ओरेकल है, एक्सेस है, तो ये डिफरेंट लोकेशंस यहाँ दी हुई हैं, राइट। तो इनको ज़रूर एक्सपेरिमेंट कीजिएगा एज पर नीड के हिसाब से। इस सिचुएशन में हम जा रहे हैं फ्रॉम फाइल और फ्रॉम फोल्डर, और अब हमें ब्राउज करने का कहेगा कि डाटा कहाँ है, उसको सेलेक्ट करें। हम ब्राउज कर रहे हैं और यहाँ से मैं डेस्कटॉप डाटा के अंदर, ट्रेनिंग डाटा के फोल्डर के अंदर, जो मेरा एक्सेल बेसिक टू एडवांस के फोल्डर में आज की डेट का फोल्डर है, उसमें डाटा फ्रॉम डिफरेंट वर्कबुक का फोल्डर है, इसे मैंने सेलेक्ट किया, एंड देन ओके करते हैं, एंड देन ओके करते हैं। सो डाटा यहाँ पर मेरे पास फैच होना शुरू हो रहा है, एंड देन उसके बाद ये एक प्रीव्यू स्क्रीन आ रही है जो मुझे कहता है कि आपका डाटा कंटेंट फॉर्मेट के अंदर है, बाइनरी फॉर्मेट के अंदर है, उसका नाम ये है, एक्सेल की फाइल है, एक्सेस डेट, मॉडिफाइड डेट, एंड उसका लोकेशन नज़र आ रहा है। हम कहते हैं ठीक है, ट्रांसफॉर्म डाटा के बटन पे हम क्लिक करेंगे, बिकॉज कि हमें डाटा को अपेंड करना है, अपेंड का मतलब है एक के नीचे एक लाना है, तो हमें इसको सिखाना होगा, डाटा डिफरेंट बुक्स के अंदर है, ठीक है। सो मैंने ट्रांसफॉर्म डाटा के बटन पे क्लिक किया, एंड देन मेरे पास अब स्क्रीन ओपन हुई जिसमें फाइल आप देखें बाइनरी के अंदर नज़र आ रही है, और कंटेंट नाम के कॉलम में ये फाइल मुझे नज़र आ रही है आपकी बात, ठीक है। पहले हमारे पास टेबल्स थे, लेकिन अब हमारे पास चार फाइल्स हैं, और हमें इसी कंटेंट कॉलम की ज़रूरत है, रेस्ट ऑफ द कॉलम्स हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। सो मैंने कंटेंट के कॉलम पर राइट क्लिक किया, एंड देन रिमूव अदर कॉलम का ऑप्शन यूज़ किया, सो हमारे अनवांटेड कॉलम्स क्लियर हुए। अब उसके बाद मुझे करना ये कि इस कंटेंट के कॉलम्स, सॉरी इस बाइनरी के कॉलम में से, सेल्स में से डाटा को अलग करना है, ठीक है, बुक के फॉर्मेट से अलग करना है। तो अगेन मुझे एम लैंग्वेज का एक कोड चाहिए जो कि आप कॉपी कर सकते हैं यहाँ पर फॉर्मूला में, आप की फाइल में मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ एक्सेल डॉट वर्कबुक, ठीक है। तो जो पहला कोड मेरी रिक्वायरमेंट है उसका नाम है एक्सेल डॉट वर्कबुक, दैट्स इट। सो मैंने कंट्रोल सी कर लिया, कॉपी कर लिया इसे, और एक नया कॉलम क्रिएट करेंगे। सो ऐसा करने के लिए मैं ऐड कॉलम के टैब में जा रहा हूँ, कस्टम कॉलम, अपनी मर्जी से कॉलम क्रिएट करने जा रहा हूँ, इसलिए मैंने कस्टम कॉलम पे क्लिक किया, और इस कॉलम को मैंने एक नाम दिया, फॉर एग्जांपल गेट डाटा, और जो कोड है वो मैंने टाइप कर लिया या कॉपी किया हुआ था वो मैं लिख दूंगा एक्सेल डॉट वर्कबुक, एंड देन ब्रैकेट ओपन, और मुझे करना यह है कि इस लोकेशन पे जो डाटा है कंटेंट नाम के कॉलम के अंदर जो डाटा है उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। डबल क्लिक करते हैं कंटेंट के कॉलम को, एंड देन ब्रैकेट क्लोज, एंड देन उसके बाद हम ओके कर देते हैं। सो अब की बार जो डाटा हमारे पास अवेलेबल हुआ वो टेबल फॉर्मेट में नज़र आना शुरू हो गया, ठीक है। अब मुझे इसी टेबल की ज़रूरत है, बॉक्स की ज़रूरत नहीं। सो मैंने राइट क्लिक किया रिमूव, और इस टेबल के को मैंने इन तमाम हेडर्स को एक्सपेंड कर दिया लोड मोड करके। सो ये डाटा मेरे पास टेबल फॉर्मेट में देखें यहाँ पर अवेलेबल हो गया, जो पहले, अब आगे की स्क्रीन मेरे ख्याल से वैसी ही है जो पहले आपने पढ़ ली है। सो मैंने इस गेट डाटा डॉट डाटा को रिमूव फर्दर कॉलम किया, ये डाटा मेरे पास यहाँ पर है, और इसका नाम एक्चुअल में मैंने कर दिया डाटा, इसे एक्सपेंड किया, तमाम कॉलम्स को लोड मोड, एंड देन ओके। ये देखें डाटा जो है वो मेरे पास लाइव हो गया। फर्स्ट रो को एज अ हेडर बना देते हैं, और जो
डेटा टाइप अगर ऑर्गेनाइज नहीं आ रही, जैसे हाई डेट में देखें ABC123 आ रहा है, आईडी के अंदर ABC123 आ रहा है, तो हमने सीखा था कि कंट्रोल ए हम प्रेस करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे एंड डिटेक्ट डेटा टाइप करेंगे, सो डेटा की टाइप ही ऑर्गेनाइज हो गई। और हम देख रहे हैं कि सिटीज़ जो हेडर है वो रिपीटेटिवली यहाँ पर आ रहा है, सो हम लोग इस हेडर को यहाँ से ऑफ़ कर देंगे। प्रोविंस में भी जो हेडिंग रिपीट हो रही थी वो ऑफ हो गई और क्लीन डाटा जो है वो मेरे पास अवेलेबल हो गया है। सो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ डाटा फ्रॉम डिफरेंट वर्कबुक, ठीक है, इस क्यूरी का नाम है, तो चलें इसको क्यूरी का नाम यही रहने देते हैं। और मैं चला जाता हूँ होम के टैब के अंदर एंड क्लोज एंड लोड के अंदर। अच्छा, अब की बार मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ डाटा में क्लोज एंड लोड टू के ऑप्शन को, क्लोज एंड लोड नहीं कर रहा। क्लोज एंड लोड क्यों करते हैं और कब करते हैं कि जब आपके पास एक स्मॉल डाटा सेट अवेलेबल है, 400-500 एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स मौजूद है ना, तो आपने क्लोज एंड लोड का बटन यूज़ कर लिया तो वो डाटा एक्सेल के अंदर गिर गया और आपने उससे रिलेटेड पेवर्ड्स बना दिए। लेकिन सपोज करें कि आपकी हर एक्सेल की वर्कबुक में जो है वो किसी में 5-6 लाख रिकॉर्ड्स हैं, किसी बुक के अंदर अगेन 7 लाख रिकॉर्ड्स हैं, किसी बुक के अंदर जो है वो 8 लाख रिकॉर्ड्स हैं, तो आपको पता है कि अगर हर बुक के अंदर सपोज 5-5 लाख रिकॉर्ड्स भी हैं और 4 बुक्स आपके पास आ रही हैं, तो आप उन चारों को डंप एक एक्सेल की बुक में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक्सेल की जो कैपेसिटी है वो 1,048,576 रॉज है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि आप क्लोज एंड लोड नहीं करेंगे बल्कि क्लोज एंड लोड टू करेंगे, और ये उस वक्त करेंगे कि जब आप एक्सेल पर डाटा को डंप नहीं करना चाहते बल्कि सिस्टम की मेमोरी में इस पूरे डाटा को स्टोर करना चाहते हैं, और फिर उसके बाद आप डेफिनेटली पेवर्ड बना सकते हैं और बाकी सारी चीज़ें बना सकते हैं। और ये उस वक्त भी यूज़ होगा ख़ास तौर पे कि जहाँ डाटा आपके पास मिलियंस के अंदर हो, ऐसा डाटा कि जो एक्सेल पे डंप हो ही नहीं सकता, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप क्लोज एंड लोड टू का ऑप्शन यूज़ करते हैं। क्लोज एंड लोड टू में आने के बाद आपके पास एक कन्फर्मेशन स्क्रीन आती है कि क्या आपको डाटा को इम्पोर्ट करना है एज अ टेबुलर फॉर्मेट में, पेवेट बनाना है, चार्ट्स बनाना है। तो मैं कहता हूँ कि नहीं, डाटा मुझे इम्पोर्ट करना है, क्रिएट ओनली एज अ कनेक्शन पर्पज़ के अंदर, कि बैकहेंड पे ये डाटा को स्टोर कर दे, बिकॉज के डाटा तो डंप नहीं हो सकता। सो मैं सिंपली ओके करता हूँ और डाटा यहाँ मेरे पास जो है वो बैकहेंड पे डंप हो चुका है, कनेक्शन बन चुका है, राइट हो गया जी। अब सवाल यह है कि इसका पेवेट कैसे बनेगा, क्योंकि इंसर्ट में जब हम जाते हैं और पेवेट टेबल पर क्लिक करते हैं तो हमसे सवाल करता है कि टेबल बता दें डाटा आपका कहाँ है, तो डाटा तो बैक एंड पर है। तो हम जाएंगे यूज़ एन एक्सटर्नल डाटा के अंदर और चूज़ कनेक्शन के अंदर, और यहाँ से क्यूरीज के अंदर डाटा फ्रॉम डिफरेंट वर्कबुक जो हमने क्यूरी बनाई हुई थी उस क्यूरी को हम सेलेक्ट करते हैं एंड देन हम ओपन करते हैं और इसी एग्जिस्टिंग वर्कशीट में पेवेट बना देते हैं एंड देन ओके करते हैं। सो यहाँ पर डाटा एज अ टेबुलर फॉर्मेट के अंदर हमारे पास अब क्रिएट होने जा रहा है। आप देख सकते हैं कि एक पेवेट की स्क्रीन इस वक्त थोड़ी देर में बनकर आ जाएगी, राइट हो गया जी। अब इस पेवेट की स्क्रीन पे मुझे करना यही है कि तमाम प्रोविंस ले लिए ताकि मुझे समझ आपको मैं बता सकूं कि डाटा जो है वो कंबाइन हो चुका। ये देखें, चारों प्रोविंस का डाटा जो है वो मैं कंबाइन कर चुका हूँ, ये चार डिफरेंट बुक्स मौजूद थी और ये एक लोकेशन पर डाटा जो है वो अवेलेबल हो गया। अगर मैं अपने उसी फोल्डर में जाकर फॉर एग्ज़ाम्पल अपने उसी फोल्डर पे आ जाते हैं, कहाँ चला गया, राइट, और मैं यहाँ पर एक नई बुक क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है, सिंध की फाइल को कॉपी करके कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, और इसका नाम मैं कर देता हूँ GB, और इस फाइल को मैंने ओपन किया और इसके अंदर जो डाटा शीट का नाम है इसको मैं चेंज कर देता हूँ GB, और प्रोविंस को मैं रिप्लेस कर देता हूँ GB, और इसका जो सिटी है उसको चेंज कर लेता हूँ लाइक हमजा। फाइल को मैंने सेव किया, कंट्रोल एस क्लोज किया, और अपने पेवेट पर आकर सिर्फ मैंने रिफ्रेश बटन प्रेस करना है। यहाँ देखें, GB का डाटा जो है वो लाइव पॉपुलेट होना शुरू हो गया। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है कि डाटा अगर हमारे पास डिफरेंट लोकेशन डिफरेंट बुक्स के अंदर अवेलेबल है और उसे मिलाकर मुझे एक बुक के अंदर क्रिएट करना है तो ये कैसे पॉसिबल होगा, इसको मैंने यहाँ पर एड्रेस किया है। अगर यहाँ तक किसी के पास कोई सवाल है तो काइंडली पूछ सकते हैं, अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाते हैं। एक सवाल जो मेरे पास ऑलरेडी जुनेद का आया हुआ है, मोहम्मद जुनेद का, उन्होंने पूछा कि अगर डाटा की जो वर्कबुक्स हैं वो डिफरेंट लोकेशन पर होगी तो एक नहीं है तो बुक में
कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे। अब इसके ना बहुत सारे वेरिएशंस हैं, जैसे आपने एक पॉइंट डिस्कस किया, ये भी एक वेरिएशन है कि डाटा तो है लेकिन डिफरेंट लोकेशन पर है, ठीक है, और आप उसको एक लोकेशन पर नहीं ला सकते, ये मजबूरी है। एक अगर आपके लिए आसानी है कि भाई आप उसको डंप करके एक फोल्डर में ला सकते हो, ये आपको अलाउ करता है, मास्टर लोकेशन पे रहने दो, जहाँ भी डी में पड़ा हुआ है, ई में पड़ा हुआ है, एफ में पड़ा हुआ है, वो रहने दो, लेकिन उसी फाइल को कॉपी करके आपने एक लोकेशन पे डंप कर दिया जहाँ से आपने वन गो में सारी फाइल ले ली, तो उसमें आपका टाइम सेव होगा, उसमें आपकी एनर्जी सेव होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये पॉसिबल नहीं है, मास्टर लोकेशन पर ही डाटा को रहने देना है और उसी से डाटा को लेकर आना है, तो ये पॉसिबल तो है, ठीक है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा एक्सरसाइज जो है वो आपकी बढ़ेगी, क्योंकि आपको हर दफा उस लोकेशन तक जाना पड़ेगा और फाइल को लेना पड़ेगा, क्योंकि लोकेशन अलग अलग है। तो तरीका वही होगा, डाटा में जाएंगे हम, गेट डाटा में जो एक सवाल पहले आया था कि अगर मुझे डाटा को इंपोर्ट करना है, तो हम पहले करेंगे फ्रॉम वर्कबुक, और फ्रॉम वर्कबुक में जाने के बाद हम अपनी फाइल को सेलेक्ट करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर मैं दो फाइल आपको करके दिखा देता हूँ, बेशक वो उसको अलग अलग लोकेशन पर भी कर देता हूँ, ठीक है। तो ये एक फाइल है मेरी बलूचिस्तान की, जो मैं एक्चुअल में डेट 16 के फोल्डर से जो है वो लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, 16 अगस्त 2020 के फोल्डर से मैंने ये फाइल उठा ली है, और बलूचिस्तान की फाइल है, ये मैंने इंपोर्ट करा दिया है। और इस डाटा को मैं एज अ पावर क्यूरी के अंदर बलूचिस्तान के नाम से स्टोर करवा देता हूँ। मैंने इस वर्कशीट को या वर्कबुक को सेलेक्ट किया एंड देन ट्रांसफॉर्म डाटा के बटन पर क्लिक किया। ठीक है, सो मेरे पास बलूचिस्तान की फाइल यहाँ पर आ गई है, और क्यूरी का नाम भी है बलूचिस्तान। ऊपर की जो क्यूरीज है वो आपने देखा कि मैंने पहले सीख ली हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक और लोकेशन से डाटा को लाना है, और दूसरा जो लोकेशन है वो 16 अगस्त के फोल्डर से मैं कट कर रहा हूँ। जैसे फाइल है मेरे पास केपीके की, ठीक है, मैं इसे यहाँ से कट कर रहा हूँ कंट्रोल एक्स, और मैं इसको डेस्कटॉप डाटा नाम का जो फोल्डर है मेरा ट्रेनिंग डाटा का, उसमें रूट पर पेस्ट कर देता हूँ। तो लोकेशन बदल गया, आपको समझ आ गई। तो अब मैं जा रहा हूँ अगेन होम के टैब के अंदर, और यहाँ से मैं गेट डाटा की कमांड को भी इस्तेमाल कर सकता हूँ कि डाटा जो है वो मुझे लेकर आना है, लेकिन चूंकि डाटा एक न्यू सोर्स से लाना है, सो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया डाटा न्यू सोर्स, और न्यू सोर्स में डाटा फ्रॉम एक्सेल आ रहा है, एक्सेल की कमांड को मैंने अप्लाई किया, और डाटा आपकी बार जो कॉल हो रहा है वो ट्रेनिंग डाटा के फोल्डर में केपीके की फाइल है, वहाँ से कॉल हो रहा है, सो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। और ये केपीके की शीट है मुझे नज़र आ रही है, सो मैंने इसे सेलेक्ट किया एंड देन ओके का बटन प्रेस किया। सो ये सेकंड फाइल मेरे पास कॉल हो गई केपीके। तो अब आप देख सकते हैं कि एक प्रोविंस बलूचिस्तान है, एक प्रोविंस जो है वो मेरे पास केपीके है। अब सवाल ये है कि दोनों को मिलाएंगे कैसे, तो हमारे पास लास्ट में ऑप्शन एक आ रहा होता है मर्ज एंड अपेंड। चूंकि मुझे डाटा को नीचे नीचे लेकर आना है, अपेंड करना है, आईडी के कॉलम के नीचे आईडी को लाना है, मंथ के नीचे मंथ को लाना है, प्रोविंस के नीचे प्रोविंस को लाना है, तो मैंने इसलिए कमांड अप्लाई करनी है अपेंड क्यूरीज। अपेंड क्यूरी एज न्यू करेंगे, अपेंड क्यूरी करेंगे तो इसका मतलब है कि जिस फाइल पे मैं मौजूद हूँ उसी के अंदर दूसरी फाइल का डाटा ले आओ, और अपेंड क्यूरी एज न्यू करने से फायदा ये होगा कि इन दोनों क्यूरीज को वो डिस्टर्ब नहीं करेगा और एक तीसरी क्यूरी बनाएगा जिसके अंदर दोनों या दो से ज़्यादा क्यूरीज जो भी आपने सेलेक्ट की होगी उसको अपेंड कर देगा। सो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ थ्री और मोर टेबल्स। एक मेरी क्यूरी है अपेंड केपीके, एक क्यूरी है मेरी बलूचिस्तान, मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ से मैं ओके का बटन प्रेस करता हूँ। मेरे पास यहाँ पर अपेंड नाम की एक न्यू क्यूरी इसने बना दी जिसके प्रोविंस को मैं क्रॉस चेक कर सकता हूँ। आप देखें बलूचिस्तान और केपीके मुझे दोनों नज़र आ रहे हैं, तो अगर मेरे पास और भी बुक्स होती तो डेफिनेटली मैं उनको इस तरह से अपेंड कर लेता, और फाइनली मैं इसको नाम दे देता हूँ सपोज टू प्रोविंस एंड देन एंटर। और अब मैं क्लोज एंड लोड के बटन पर क्लिक करता हूँ और एक्सेल पे ये डाटा को मैं डम कर देता हूँ, तो ये दो डिफरेंट लोकेशन से डाटा मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया है और डाटा जो है वो लाइव है, ठीक है। और इसके बाद की एग्जांपल तो मेरा ख्याल है क्लियर होगी आपके लिए कि अगर मैंने बैकहेंड से किसी भी डाटा को चेंज किया, ठीक है, बलूचिस्तान और केपीके का डाटा है, तो अगर मैंने बैकहेंड पे कोई बलूचिस्तान के अंदर न्यू एम्प्लॉय हायर किए, केपीके के अंदर अगर मैंने न्यू एम्प्लॉयज़ हायर किए या कुछ स्टाफ जो रिज़ाइन करके चला जाता है, तो मैं अपनी मास्टर फाइल के अंदर जब भी चेंज करूंगा यहाँ पर आकर मैं रिफ्रेश बटन प्रेस करूंगा, डाटा मेरे पास लाइव जो है वो पॉपुलेट करेगा। तो दिस इज़ द अनदर वे इफ़ यू हैव अ डाटा इन डिफरेंट लोकेशंस, सो हाउ यू कैन गेट दिस ऑल। तो ये एक और एग्जाम्पल हमने यहाँ पर डिस्कस की है। शहबाद, बिल्कुल आज हमारा लास्ट सेशन है और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम इसको ख़त्म करेंगे।
सर अगर डाटा की वर्कबुक डिफरेंट लोकेशन पर है, तो ये इसका जवाब मैंने दे दिया है। ओके राफे साहब, ये सवाल जो मोहम्मद जुनेद ने पूछा था कि डाटा अगर डिफरेंट लोकेशन पर है, तो यहाँ पर भी आपका यही सवाल है कि डाटा अगर डिफरेंट फोल्डर्स के अंदर है और उसके अंदर अलग अलग शीट्स हैं और उसको कंबाइन करना हो, तो ये आपके सामने मैंने यही किया है कि एक फाइल डी ड्राइव में पड़ी हुई थी, एक फाइल किसी और फाइल के अंदर पड़ी हुई लोकेशन में पड़ी हुई थी, और उसके अंदर हमने अलग अलग बुक्स को सेलेक्ट करके डाटा को अपेंड किया। तो ये मेरा ख्याल है, आई एम श्योर कि राफे साहब आपका ये क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर एड्रेस कर लिया है। ठीक है जी, सो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब जो हमारे टॉपिक्स रह गए हैं वो तीन चार ही रह गए हैं, और आई एम श्योर कि हम इंशाल्लाह उसको टाइम से पहले पहले क्लोज़ कर लेंगे आज अपनी ट्रेनिंग को, और बहुत ज़्यादा चीज़ें इस वक्त रहती नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे वो यहाँ पर कवर कर लिए हमने। अच्छा, अब एक और पिक्चर हमारे पास है जिसको हम लोग कहते हैं डाटा को कॉन्सिलेटेड करना। ठीक है, कॉन्सिलेटेड करने का मतलब ये होता है कि डेटा अगर आपके पास डिफरेंट लोकेशन पर है और उसको आप सम करना चाहते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल होगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक वर्कबुक है यूजिंग 3D रेफरेंस नाम की, और इसमें कहानी यह है कि डिफरेंट शीट पर कुछ डेटा मौजूद है। ठीक है, एम्प्लॉय की डिफरेंट शीट्स मुझे यहाँ नज़र आ रही है, शीट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और इन तमाम बुक्स, इन तमाम शीट पे कुछ सेल्स अमाउंट लिखी हुई है। ठीक है, स्टोर 1 पे कुछ अमाउंट लिखी हुई है, स्टोर 2 पे कुछ अमाउंट है, 3, 4, 5 एंड देन 10 तक मेरे पास कुछ नंबर्स हैं। अब मुझे इन 10 डिफरेंट शीट्स की नंबर्स को आपस में सम करना हो, तो और इनको सम करके आप एक लोकेशन पे अगर इसको कैलकुलेट करना चाहें, तो ये कैसे पॉसिबल होगा। ठीक है, सवाल क्या है कि मुझे 3D रेफरेंस नाम की एक शीट है जिस पे मुझे इस प्रोडक्ट का सम यहाँ पर चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी हेल्प बताता चलूँ कि अगर मुझे ये तमाम प्रोडक्ट के नाम को वन गो में तमाम शीट से चेंज करना है, क्योंकि डाटा ऑर्गेनाइज्ड है, तो इसलिए अगर मुझे तमाम शीट पे इन नंबर्स को अपडेट करना है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा। तो हम करते क्या है नॉर्मली कि अपनी शीट 1 को सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट बटन प्रेस करते हैं और लास्ट शीट को सेलेक्ट करते हैं, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि तमाम शीट हमारी सेलेक्ट हो जाती है और ऊपर जो वर्कबुक का नाम आ रहा है इसमें ऐसा ग्रुप हमें लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है। ठीक है, तो हम लोग जब डाटा को ग्रुप में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि किसी भी एक लोकेशन पे अगर आप कुछ टाइप करेंगे, तो उसका इम्पैक्ट हर शीट के ऊपर आपको नज़र आएगा। मिसाल के तौर पर अगर मुझे प्रोडक्ट का नाम चेंज करना है, तो मैंने इसको नाम दे दिया लाइक प्रोडक्ट डैश 1 और मैंने इसको ड्रैग कर दिया। सो हर बुक, हर हर एक प्रोडक्ट का नाम मैंने यहाँ पर रिप्लेस किया, और अगर मैं शीट पे क्लिक करता हूँ आप किसी भी शीट पे, तो ये अनग्रुप हो गई और आप देख सकते हैं कि इसके प्रोडक्ट के नाम जो है वो चेंज हो गए, जो मैंने एक्चुअल में रिप्लेस किए उसके अकॉर्डिंगली तमाम प्रोडक्ट्स के नाम मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि मुझे हर शीट के जनवरी, प्रोडक्ट 1 की जनवरी की सेल्स को प्लस करना है और उसका आंसर यहाँ पर लेकर आना है। तो नॉर्मली जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, आमतौर पर मैंने देखा है लोगों को, वो क्या करते हैं कि इक्वल टू प्रेस करते हैं, शीट 1 पे जाते हैं, प्रोडक्ट को चूज़ करते हैं, प्लस करते हैं, शीट 2 पे जाते हैं, प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं, अमाउंट को सेलेक्ट करते हैं यानी, एंड देन प्लस करते हैं, देन इसी तरह से सो ऑन वो चलते रहते हैं। ठीक है, शीट 3 पर गए प्लस किया, शीट 4 पे गए नंबर सेलेक्ट किया प्लस किया, और इस तरह से वो 10 डिफरेंट शीट को सेलेक्ट करते हैं, देन उसको वो प्रेस करते हैं। सो ये जो है ना वो एक फार्मूला तो बिल्कुल ठीक है, लास्ट में एंटर किया, अभी मैंने चार शीट के रिजल्ट जो है वो कैलकुलेट किया, ये फार्मूला बिल्कुल सही है कि स्टोर 1 को आपने प्लस किया B3 के सेल को, स्टोर 2 के B3 के साथ, स्टोर 3 के B3 के साथ, स्टोर 4 के B3 के साथ, और अगर 10 तक मैंने प्लस किया हुआ होता तो अच्छी बात क्या होती कि जस्ट मैं इसको ड्रैग करता और ड्रैग करता, तो मेरी पूरी शीट जो है वो ये कैलकुलेट हो जाती और मेरी ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाती। लेकिन सवाल ये है कि डाटा जो है वो 10 शीट पर अगर होता तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी 10 शीटें हैं, और अगर 10 से ज़्यादा हो तो 20 शीटें हों, 30 हो, 50 शीटें हों, और आपको उसे प्लस करना हो, और आप इस तरह से अगर प्लस करते जाओगे हर एक शीट पे जा जाकर वैल्यू को प्लस करते जाओगे, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है। ठीक है, और अगर उसमें किसी शीट को आप ऐड करना भूल गए, या किसी शीट को आपने दो दफ़ा ऐड कर दिया गलती से, क्योंकि शीटों के नाम इतने आसान नहीं होते, स्टोर 1, स्टोर 2 इस तरह के नाम नहीं होते, सारे शीट के नाम जो है वो बड़े रिलेवेंट होते हैं आपके डाटा के अकॉर्डिंगली, तो वो डिफरेंट हो सकते हैं,
तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपने किसी शीट को दो दफ़ा ऐड कर दिया या ऐड करना भूल गए, तो आपके नंबर्स गलत आएंगे और आपकी प्रोजेक्शन जो है वो सारी गलत हो जाएगी, ठीक है। और डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर नंबर्स का ही गेम है सारा, ठीक है। तो इसका फास्टेस्ट वे क्या है? अब जो एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इस एग्जाम्पल के अंदर ये बात जहन में रखिएगा कि डाटा का ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनाइज का मतलब ये है कि हर मरतबा आपको सेल B3 को ही प्लस करना है, और इसी तरह से ये तमाम सेल्स से है, कॉलम M तक, रॉ नंबर 8 तक सॉरी, आप देखें कि हर शीट में कॉलम M तक, रॉ 8 तक का डाटा है जो आपको एक्चुअली कैलकुलेट करना है, यहाँ पर लेकर आना है। तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आप इन तमाम ब्लैंक सेल्स को सेलेक्ट करेंगे। ब्लैंक सेल को जब आप सेलेक्ट करते हैं नॉर्मली, तो एक्सेल आपको किस तरह से बिहेव करता है, वो जो आपका फर्स्ट सेल होता है जहाँ से रेंज आपने स्टार्ट की होती है, वो डी सेलेक्ट आपको नज़र आती है और बाकी सेलेक्शंस आपको नज़र आ रही होती हैं, ठीक है। इट मींस कि आपका जो एक्टिव कर्सर है, एक्टिव पोजीशन है, वो ये है, और रेस्ट ऑफ द सेल्स आपके सारे सेलेक्टेड आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आप एक्टिव सेल पर कुछ भी लिखेंगे, और अगर आपने कंट्रोल इंटर किया, तो वो जो सेलेक्टेड सेल्स हैं उन तमाम पर आपको वो चीज़ें नज़र आएंगी। मिसाल के तौर पर अगर मैंने यहाँ लिखा ज़ीरो, एक न्यूमेरिकल वैल्यू थी, एंड देन कंट्रोल इंटर प्रेस किया, इंटर नहीं किया। कंट्रोल इंटर प्रेस करने से फ़ायदा ये होगा कि जितने भी सेलेक्टेड सेल्स हैं उन तमाम पर ये रिजल्ट पॉपुलेट हो गया। अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक नाम लिखता हूँ लाइक इरफान, और मैं कंट्रोल इंटर कर रहा हूँ, तो आप देखें तमाम एक्टिव सेल्स पर रिजल्ट आ गया। और इसी तरह से अगर मैं डैश प्रेस करता हूँ और कंट्रोल इंटर प्रेस करता हूँ, तो इन तमाम सेल्स पर डैश प्रिंट हो गया। तो इसका मतलब यह है कि एक्टिव सेल पे जो कुछ भी आप लिखेंगे, आप जब कंट्रोल इंटर करेंगे, तो उसका रिफ्लेक्शन आपको पूरी वर्कशीट के अंदर उसका आउटपुट जो है वो नज़र आएगा। अब इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि मुझे यहाँ एक फार्मूला लिखना है जिसमें मुझे सेल B3 को प्लस करना है। सो हम फार्मूला लिखते हैं इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, और हमने किया अपोस्ट्रॉफी स्टार अपोस्ट्रॉफी स्टार, यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है वर्कशीट के नेम को, क्योंकि हमें शीट के नाम नहीं पता है। स्टोर 1 2 3 4 है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, डेली की सेल्स का डाटा है, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर का डाटा है, वेयर हाउस का डाटा है, हमें बुक शीटों के नाम नहीं पता, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया अपोस्ट स्टार। अच्छा, स्टार यहाँ पर चूंकि वाइल्ड कार्ड के तौर पर यूज़ हो रहा है, और उसके साथ मैंने सिंगल कॉमा दिया है। जब भी एक्सेल में शीट का नाम यूज़ किया जाता है, तो उसमें सिंगल कॉमा आपको ज़रूर नज़र आएगा। शीट के नाम के साथ मुझे सेल के को कौन कोऑर्डिनेट करना है, तो मैंने एक्सप्लेनेशन मार्क का सिंबल दिया, और सेल नंबर B3 को मुझे प्लस करना है हर शीट के, ठीक है। सेल नंबर B3 प्रोडक्ट 1 में जनवरी में मुझे प्लस करना है, इसलिए मैंने B3 लिखा। और लास्ट में मैं ब्रैकेट क्लोज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, अदरवाइज आपको पता है कि कंट्रोल इंटर मैंने प्रेस किया, तो आप देखें पूरी मेरी फाइल जो है वो सॉल्व हो गई। हर शीट के सेल नंबर B3 को इसने प्लस किया। इसने क्या किया, फार्मूला को फौरन रिप्लेस किया, और जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो लिखा इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन। अब देखें अपोस्ट्रॉफी नज़र आ रहा है, शीट का नाम स्टार्ट हो रहा है, स्टोर 1 जो मेरी फर्स्ट शीट है, कॉलन कंटिन्यूएशन है, स्टोर 10 तक जो मेरी लास्ट शीट है, वहाँ तक की तमाम वैल्यू को सेल नंबर B3 को इसने प्लस किया है। और एक दफ़ा फार्मूला जो मैंने लिखा है, आप देखें लास्ट सेल तक मैं आपको दिखाऊं, ये मेरी ज़िंदगी आसान हो गई है, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही वर्क करता है कि जैसे अगर मैं सम करता हूँ इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन और रेंज बनाता हूँ, तो इस रेंज की जो पोजीशन है वो क्या है, सेल B C3 से C8 तक का रिजल्ट है। तो C3 मेरी स्टार्ट पोजीशन है, C8 मेरी एंड पोजीशन है, कंटिन्यूएशन के लिए बीच में कॉलन का सिंबल लगा हुआ है। तो यहाँ पर भी जो फॉर्मूला इसने अप्लाई किया वो उसी पैटर्न का है, इक्वल टू स्टोर 1 जो मेरी फर्स्ट शीट है, कंटिन्यूएशन कॉलन स्टोर 10 जो मेरी लास्ट शीट है, उसके सेल नंबर B3 को इसने प्लस किया हुआ है। अगर आप किसी शीट को यहाँ से एक्सक्लूड करना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप उस शीट के नाम को हटा दें। सपोज करें मुझे स्टोर 10 तक के डाटा को कैलकुलेट करना है, मैंने यहाँ एंटर किया और इसी फार्मूला को ट्रैक कर दिया आगे, तो आप देखें हर शीट पर जो रिजल्ट है अब वो मेरे पास B8 तक, स्टोर 8 तक की जो शीट है वही मेरे पास कैलकुलेटेड होकर परफॉर्म हो रही है। तो ये एक फास्टेस्ट वे है, बट ये काम कब करेगा कि जब आपका डाटा ऑर्गेनाइज होगा, देन आप उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। बट इफ़ यू पीपल हैव अ डाटा इन अ डिफरेंट अनऑर्गेनाइज डाटा है फॉर एग्जाम्पल, एंड यू नीड टू कैलकुलेट ऑल दीज थिंग्स टू गैदर इट वन गो, सो ये कैसे पॉसिबल होगा। सो एक और एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, सम ऑफ सेल्स नाम की हमारे पास एक बुक है, जिसमें पिक्चर कुछ इसी तरह से है कि डाटा जो है वो डेट वाइज मौजूद है, और स्टाफ 1 जैसे जुबैर है फॉर एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं उसने जो सेल्स जनरेट की है वो 95,500 की सेल्स जनरेट की है। फिर शीट 2 पर इसका डाटा है, ये जुबैर 2, ये 373,000 की सेल्स की है।
देन फिर ये रॉ नंबर 8 पर है, 431,000 की सेल्स है, ठीक है। तो इस तरह से ज़ुबैर का जो रिकॉर्ड है वो आपको अलग अलग शीट पर अलग अलग लोकेशन पे मिलेगा, और इसको मुझे कैलकुलेट करना है। अब ये भी हो सकता है कि ज़ुबैर का नाम जो है वो किसी शीट पे ना हो। यस, देखें शीट नंबर 7 पे ज़ुबैर का नाम है भी नहीं, तो डेटा को हम लुकअप कैसे करेंगे, क्योंकि डेटा एक तो अनऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, उसकी पोजीशन अप एंड डाउन है, कस्टमर्स जो है वो कम और ज़्यादा भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा जो है वो यही 10 कस्टमर हों, 12 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। किसी शीट पे कोई कस्टमर या जो आपका एम्प्लॉई है वो उस दिन छुट्टी पर था, उसने सेल्स की नहीं है, तो उसका नंबर भी आगे पॉपुलेट नहीं होगा, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपके जहन में है कि मैं सॉर्ट करके इसको प्लस कर लूँगा, तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक। तो इस अनऑर्गेनाइज डाटा को कैलकुलेट कैसे करेंगे, व्हाट इज़ द फास्टेस्ट वे टू ऐड ऑल दीज वैल्यूज़। तो इसमें एक छोटा सा काम पहले मैं ये कर लेता हूँ, उसको थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ, बिकॉज़ के आप नहीं करना, क्योंकि ज़ाहिर ऑफिस के अंदर ऐसे नहीं होता, लेकिन मुझे सिर्फ समझाने के लिए मैंने शिफ्ट के साथ सेल नंबर 1 से 10 तक की तमाम वैल्यूज़ को सेलेक्ट कर लिया है, और टेम्प्रेरी तौर पर इसके रीजन, डेट और क्वांटिटी को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो मेरे पास सिर्फ सेल्स अमाउंट है और उसका रेवेन्यू हर शीट के ऊपर जो है वो नज़र आने लग गया है, ठीक है। और लास्ट में मैंने एक ब्लैंक शीट इंसर्ट की है, और इस ब्लैंक शीट पर एक्चुअल में मुझे डाटा को अब सम करके यहाँ पर लेकर आना है, सही। सो ऐसी सिचुएशन में मैं जा रहा हूँ डाटा, और कमांड इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ से कॉन्सोलेटेड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है, कॉन्सोलेटेड की कमांड, और ये कमांड जो है वो डिफरेंट बुक्स के अंदर भी चल सकती है, ठीक है। सो कॉन्सोलेटेड की कमांड को मैंने यूज़ किया, इसने मुझसे पहला सवाल किया कि आपको फंक्शन कौन सा अप्लाई करना है, तो इस सिचुएशन में ज़ाहिर मुझे सम का फंक्शन अप्लाई करना है। फिर मुझसे कहता है कि आप रेफरेंस बताइए, आपका नंबर है कहाँ। सो मैंने कहा कि शीट 1 पर एक्चुअल में ये नंबर्स मौजूद हैं, सो मैंने इनको सेलेक्ट किया, तमाम नंबर्स और तमाम नेम्स को, और इसे मैंने ऐड करवा दिया। ऐड करने से ये वैल्यूज़ मेरे पास ऐड हो गई रेफरेंस के अंदर। शीट 2 पर गए, अच्छा डाटा चूँकि मेरा इस लिहाज से स्टैंडर्ड है कि तमाम 10 कस्टमर्स ही हैं, ठीक है। अगर ज़ुबैर कहीं पर नहीं है तो उसकी जगह पर शायद कोई और आ गया होगा, लेकिन डाटा 10 तक है। अगर आपका डाटा जो है वो वेरी कर रहा है तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप रेंज को इस तरह से बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, एक्सटेंडेड रेंज बना सकते हैं, कोई दुख मसला नहीं करेगा आपको, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास एम्प्लॉयज़ जो है वो ऐड हो सकते हैं फ्यूचर के अंदर, उसकी सेल्स आ सकती है, तो आपके कस्टमर बेशक 10 हैं, आपने 50 तक रेंज बना के रख ली, क्योंकि उसी रेंज के अंदर अंदर आएंगे ना सारे अपकमिंग जो भी लोग हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, मसला नहीं है। सो फिलहाल मैंने यहाँ पर एक स्टैंडर्ड रेंज बनाई और ऐड किया। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, मुझे हर शीट पर जाकर नंबर्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेहनत वाला काम ज़रूर है, लेकिन इसमें याद करने वाली इतनी कोई चीज़ नहीं है, मतलब मुझे फार्मूला फंक्शन ही लगाने, तो एज सच कोई बहुत डिफ़िकल्टीज नहीं आ रही है। सो मैंने 1 बाय 1 जाकर तमाम शीट के नंबर्स को सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद अब मुझे 2 स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, लास्ट 2 स्टेप्स। पहला स्टेप यह है कि मुझे किस क्राइटेरिया के बेस पे डाटा को कैलकुलेट करना है। टॉप रॉ में क्या मुझे इस टॉप क्राइटेरिया को क्रिएट करते हुए डाटा को कैलकुलेट करना है, या मुझे लेफ्ट कॉलम को ऐसा क्राइटेरिया बनाना है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि यार जितनी भी शीट पे ज़ुबैर मौजूद है ना, उन सब की सेल्स प्लस हो जाए। करीम है उसकी सेल्स को प्लस करे, फाहद है उसकी सेल्स को प्लस करे, तो वो खुद जाए हर शीट पे देखे कि करीम कहाँ है, उसको सर्च करे, लुकअप करे, और उसकी सेल्स अमाउंट कैलकुलेट करके मुझे दिखा दे। तो मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो लेफ्ट वैल्यू है, ठीक है। तो मैंने लेफ्ट कॉलम सेलेक्ट किया, और क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डाटा करते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि पीछे 10 शीटों में जब भी किसी एम्प्लॉय के नंबर चेंज होंगे, उसका रिफ्लेक्शन यहाँ हमें लाइव नज़र आना शुरू हो जाएगा। सो मैंने क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डाटा पे चेक लगाया, एंड देन फाइनली मैं ओके करता हूँ। यहाँ देखें रिजल्ट मेरे पास अवेलेबल हो गया, और ये मुझे बताता है करीम की जो सेल्स है वो रॉ नंबर 8 पर, कि इसकी जो सेल्स है वो 3,135 मिलियन है। और अगर मुझे इसकी डिटेल्स को देखना है तो मैं फार्मूला बार को चेक कर सकता हूँ, सेल नंबर C1 से C7 को ये प्लस कर रहा है। तो C1 से C7 में क्या है, ये ग्रुप का ऑप्शन है, जस्ट मैंने उस पर क्लिक किया, आप देखें इसकी जो हिडन डिटेल्स है वो यहाँ पर कैलकुलेट हो रही है। ये नंबर इसने खुद कॉल किए हैं, खुद लिंक्स बनाए हैं, कैसे, क्योंकि हमने क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डाटा पे क्लिक किया था ना। अगर मैं इसके फर्स्ट नंबर पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बताता है कि करीम की जो सेल्स है उसकी डिटेल यहाँ आ रही है, और आप देखें कि ये जो सेल्स है वो 7 शीट से आ रही है, हालांकि डाटा हमारा 10 शीट्स पर है। तो बाकी 3 शीट से डाटा क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि 3 शीट पर डाटा है ही नहीं। तो किन 3 शीट्स पर डाटा नहीं है, अगर आप इन सेल्स को चेक करेंगे तो आपको उसका रेफरेंस मिल जाएगा। जैसे फर्स्ट आ रहा है 583, ये शीट नंबर 10 से डाटा आ रहा है, 558 शीट नंबर 1 से आ रहा है, देन उसके बाद शीट नंबर 2 से डाटा नहीं आ रहा, बल्कि शीट नंबर 3 से डाटा आ रहा है 180 मिलियन। इसका मतलब यह है कि शीट नंबर 2 पर करीम का डाटा नहीं है,
चल के देख लेते हैं। शीट नंबर टू पे गए और यहाँ हमने क्रॉस चेक किया तो करीम का रिकॉर्ड हमें नज़र नहीं आ रहा। तो सिस्टम जो है वो इतना इंटेलिजेंट है कि अगर किसी शीट पे डाटा या वो नाम नहीं मिल रहा जो हमने क्राइटेरिया दिया हुआ है तो अकॉर्डिंगली उसको सम भी नहीं कर सकता। और यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट क्या है कि जो आपके लेफ्ट कॉलम के नेम है वो सेम होने चाहिए। अगर एक साहब का नाम करीम है तो हर शीट पर नाम करीम ही होना चाहिए, फिर उसका नाम करीम अली नहीं हो जाए या करीम की स्पेलिंग KAREEM नहीं हो जाए। एक जगह पर करीम लिखा हुआ तो करीम है लेकिन एक की स्पेलिंग KAREEM है, एक की स्पेलिंग KARIM है, तो दोनों सिचुएशन के अंदर स्पेलिंग्स गलत हो गई। तो हमने ये बात पहले ही डिस्कस कर ली है कि डाटा का ऑर्गेनाइज्ड होना यानी ये जो मैच कर रहा होता है, जो सम कर रहा होता है, वो जो है वो एप्पल टू एप्पल मैच कर रहा होता है, तो उसके अंदर फ़र्क नहीं आना चाहिए। अगर इसमें फ़र्क आ गया तो डाटा जो है वो एक नया एम्प्लॉय करीम अलग दिख रहा होगा, KARIM वाला हो, KAREEM वाला अलग अलग दिख रहा होगा, और रिजल्ट जो है वो हमारे पास जो है वो अनमैनेज टाइप के रिजल्ट्स दिख रहे होंगे। ठीक है, और हमने क्रॉस चेक भी कर लिया यहाँ पर डाटा को कि वो किन किन शीट से पॉपुलेट हो रहा है। 3135 का जो ब्रेकअप है वो ऊपर नज़र आ रहा है, मैं कोलैप्स करता हूँ तो डिटेल्स हाइड हो जाती हैं। किसी भी डिटेल को अगर आपको देखना है, अहमद की सेल्स 4720 है, आपको देखना है प्लस पे आपने क्लिक किया, आप देखें 4720 जो इसकी डिटेल्स हैं वो यहाँ पर मेरे पास पॉपुलेट हो रही हैं। एंड देन इसी तरह से मैं इसको क्लैप्स कर रहा हूँ तो डिटेल्स मेरे पास हाइड हो रही है। तो मैं कोई भी डिटेल को हाइड अनहाइड करने के लिए प्लस और माइनस के ऑप्शन को यूज़ कर सकता हूँ। एक आखिरी चीज़ इसके अंदर हम देखते हैं कि डाटा जो है वो 10 जैन की शीट से आ रहा है। ठीक है, 583, अगर मैं 10 जैन की शीट पर जाकर करीम की सेल्स को 0 मिलियन कर देता हूँ एंटर, और वापस अपनी शीट वन पे जाकर देखता हूँ तो ये देखें इसके नंबर जो है वो लाइव मेरे पास अपडेट हो रहे हैं और इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर भी चेंज होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। सेम तरीके से 10 जैन की सेल्स पर अगर मैं दोबारा से 500 मिलियन इस पर नंबर टाइप करता हूँ, शीट पर जाकर देखता हूँ, ये देखें नंबर भी अपडेट आ गया और इसका जो ग्रैंड टोटल है यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो रिज़ल्ट पॉपुलेट हो गया। तो दिस इज़ द अनदर वे जिससे आप अपने रिजल्ट्स को बेस्ट, अगर अनऑर्गेनाइज्ड डाटा है तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये पैटर्न मैंने यहाँ पर आपसे शेयर किया। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो मैसेज बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, अदरवाइज फिर हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे जो कि फाइनेंशियल फंक्शन है, व्हाट इफ एनालिसिस, और हम देखेंगे कि डाटा को एक्चुअल के अंदर हम लोग PMT, PPMT, IPMT इन फंक्शंस के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा साहिर, मैं बिल्कुल पर्सनल ट्रेनिंग्स दे रहा होता हूँ लेकिन वो ट्रेनिंग मैं फिर इंडिविजुअल्स नहीं दे रहा होता हूँ, वो या तो कंपनीज के साथ होती हैं या ग्रुप्स के साथ होती हैं। तो मेरा इस वक्त कल से बैच स्टार्ट हो रहा है Power BI का, और उसके टाइमिंग से रात 8 से 9:30। आप मेरी वेबसाइट पर उसकी डिटेल्स को देख सकते हैं, मैं वेबसाइट का नाम अभी ड्रॉप कर देता हूँ। तो अगर आपको इस तरह से Power BI की ट्रेनिंग लेनी है तो आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको एक्सेल से रिलेटेड ट्रेनिंग लेनी है तो फ़िलहाल मेरे पास कोई इस वक्त का प्लान नहीं है। कंपनी के साथ अलबत्ता सेशंस मेरे रेगुलरली चल रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं इंगेजमेंट्स रहती हैं। राफे, बिल्कुल ये पॉसिबल है कि अगर आप टेबल को रिमूव करना चाहें, अगर आपने डाटा को अपेंड कर दिया है, ठीक है, जो हमने एंड रिजल्ट देखा था कि 4 डिफरेंट बुक्स को मिलाकर हमने एक पांचवी बुक बना ली थी और वो डाटा जो टेबल में आ गया था, आप चाह रहे हो कि वो टेबल आप रिमूव कर दो, तो आपकी पावर क्यूरी और वो सारे स्टेप्स आपके जो पीछे वर्क कर रहे थे ऑटोमेटिकली वो सारे फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो टेबल आप उस सिचुएशन में रिमूव नहीं कर सकते। हाँ, आप ये कर सकते हो कि 4 डिफरेंट बुक्स के अंदर जो सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान की जो इंडिविजुअल फाइल्स थी, शीट्स थी, उसमें अगर टेबल बना हुआ है उसको आप डिलीट कर दो तो आपके जो अपेंड डेटा है जिसमें चारों बुक्स अपेंड भी है उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दो अलग अलग सिचुएशंस है, जो अपेंड हो गया डेटा उसके टेबल को आप रिमूव नहीं करना वरना आपकी पूरी एक्टिविटी जो है वो ख़राब हो जाएगी। अमान, मैंने जवाब दे दिया है कि अगर आप मुझसे कोई पर्सनल कैपेसिटी में कोर्स करना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार क्या होता है। आमिर, मैंने ये भी जवाब दे दिया कि अगर शीट का जो पॉइंटेड लेवल है वो B3 ना हो तो क्या होगा, यानी डेटा अगर अनऑर्गेनाइज हो तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना होगा, इसका जवाब भी मैंने दे दिया है। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हबीब, कि अगर दो करीम होंगे तो क्या होगा। तो ये मैंने यहाँ कहीं देखा है,
मिसाल के तौर पर मैं आप ये रहा, ये देखें। अच्छा अब ये क्या हुआ है, मिसाल के तौर पर हबीब, ये आपको मैं एड्रेस कर रहा हूँ। देखें इसमें कहा गया है कि ये जो फाहद की सेल्स है, ठीक है, ये उसका ब्रेकअप आ रहा है। फाहद की सेल्स है 2941 और फाहद की सेल्स का ये ब्रेकअप है। लेकिन आप एक जगह नोटिस करें कि एक सेल ब्लैंक है, ठीक है, तो इसको इसको क्रॉस चेक करते हैं। तो मैंने यहाँ पर पहले ऊपर हेडिंग पे क्लिक किया, 525, ये कहाँ से आ रहा है, 7 जेन से आ रहा है। और इसके बाद 124 पे क्लिक किया, ये भी देखें वो 7 जेन से आ रहा है। और उसके बाद मैंने क्लिक किया तो ये 8 जेन से आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी वर्कशीट के अंदर किसी कस्टमर का नाम 2 दफ़ा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको वो इंटीग्रेट कैसे करता है कि पहला तो रेफरेंस लेकर आता है 7 जेन, लेकिन जो दूसरी मरतबा ये डेटा ला रहा होता है उसकी हेडिंग को ये ऑफ कर देता है। तो इससे हमें आइडिया हो जाता है कि ये सेम शीट से आया हुआ डाटा है, ठीक है। 7 जेन की शीट पर फाहद का डाटा 2 मरतबा है। चलो क्रॉस चेक करते हैं, 7 जेन पे गए, फाहद 1 दफ़ा ये रहा और 1 दफ़ा ये रहा, ठीक है। तो फाहद का नाम 2 दफ़ा यहाँ पर नज़र आ रहा है और इसकी अमाउंट भी यहाँ पर 2 दफ़ा नज़र आ रही है। तो ये इसकी हेडिंग को देख कर हमें समझना होगा। रिपीट के लिए तो बॉस आमिर, मेरी से रिक्वेस्ट होगी कि ये टाइम आप नोट कर लें, 4:15 हो रहे हैं। अगर आप वीडियो में 4 o'clock से 4:15 तक के टॉपिक को रिवाइज़ कर लेंगे तो मेरा ख्याल है आपको उससे हेल्प मिल जाएगी और सबका 15 मिनट जो है वो इससे सेव भी हो जाएगा। आपका जवाब साहिर मैंने दे दिया है। पावर बी आई इन एक्सेल नहीं मैं पढ़ा रहा, पावर बी आई एक सेपरेट टूल है वो मैं पढ़ा रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट का ही टूल है जो कि एक्चुअल में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये आपने मुझे मुझे क्लियर नहीं है, अगर आप थोड़ा साहिर दोबारा बता दें, सर वैब ड्रॉप कर दें, तो ये मुझे समझ नहीं आया, वैब ड्रॉप कर दें इसका क्या मतलब है साहिर, अगर आप थोड़ा सा मुझे बता देंगे। आपको कोई लिंक वगैरह चाहिए क्या, मैं आपको उसका फ्लायर वगैरह आप देखना चाहते हैं, ऐसा कुछ चाहिए, वेबसाइट का लिंक चाहिए, तो क्या आप ये पूछना चाह रहे हैं। अच्छा टेक्स फार्मूला ट्रिम और सब्स्टिट्यूट का बता देते हैं जी आमिर अहमद गफ्फार, ये चलें एक एक्स्ट्रा सवाल आपका आ गया है तो इसको एड्रेस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब होता क्या है कि डेटा के अंदर मिसाल के तौर पर कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन है कि जिसको मुझे जिसमें से मुझे लेफ्ट राइट मिड लेकर आना है, ठीक है। एक नाम है अली अहमद और मुझे ये लेफ्ट राइट मिड के फार्मूला से ज़्यादा अच्छा लगता है मोहम्मद अली, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप टेक्स्ट टू कॉलम कर दें, ठीक है। क्योंकि टेक्स्ट टू कॉलम में क्या होता है कि आप एक क्राइटेरिया बताते हैं और टेक्स्ट को ब्रेक करते हैं। सो डेटा के टैब में जाते हैं, यहाँ पर कमांड है टेक्स्ट टू कॉलम और हम कहते हैं कि आप डिलिमिटर करें, टेक्स्ट को ब्रेक करें, नेक्स्ट करते हैं। और इस टेक्स्ट के दरमियान जो कॉमन चीज़ है वो स्पेस है, स्पेस के थ्रू टेक्स्ट को ब्रेक करें एंड देन फिनिश, ये डाटा हमारा स्प्लिट हो गया। तो दिस इज़ द वन वे जिससे आप टेक्स्ट को स्प्लिट करते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप एक 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 पैटर्न बना लें, जैसे आपने लिखा अली और उसके नीचे आपने फ्लैश फिल कर दिया, तो उसका नाम देखें मोहम्मद आपके पास खुद आ गया। दूसरा नाम है सपोज अहमद और आपने फ्लैश फिल कर दिया, तो उसका जो नाम है अली वो ब्रेक होकर आ गया। तो टेक्स्ट को ब्रेक करने का एक दूसरा तरीका हमने देखा। तीसरा तरीका जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जिससे आप एक्चुअल में अपनी मर्जी से काम कर रहे होते हैं। मैंने कहा कि जी आप लेफ्ट से टेक्स्ट को लेकर आएँ, ठीक है, कितने टेक्स्ट लेकर आएँ, लेफ्ट से 3 लेटर्स लेकर आ जाएँ, इंटर। तो यहाँ पर तो ये फार्मूला सही काम कर रहा है लेकिन नीचे सही काम नहीं करेगा, क्योंकि मोहम्मद के जो लेटर्स हैं वो फॉर एग्जांपल 7 लेटर्स हैं एंड देन 8 लेटर्स हैं, सॉरी, एंड देन इंटर, तो मेरे पास रिजल्ट पॉपुलेट हुआ। तो ये तो फार्मूला मुझे हर दफ़ा लिखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि नाम नीचे बदलते रहेंगे ना। यहाँ पर एक नाम आ रहा है सलीम खान, एक नाम है खान सलीम, तो आपके जो टेक्स की लेंथ है वो हमेशा बदलती रहेगी, ये स्टैंडर्ड तो रहेगी नहीं। तो हम ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, तो हम सिस्टम को कहते हैं कि यार आप जो है ना वो फाइंड करें स्पेस को। तो हमने फाइंड या सर्च दोनों में से कुछ भी यूज़ करने बाद एक ही है, ठीक है। तो मैंने फाइंड का फार्मूला लिखा, कहता है फाइंड टेक्स्ट क्या ढूंढना है, मैंने कहा कि आप जो है वो स्पेस को ढूंढें, और कहाँ से ढूंढना है, मैंने कहा आप इसमें से ढूंढें। तो इसने कहा कि स्पेस की जो पोजिशन है वो 4 है। तो अब मैं जब इसे कहता हूँ कि आप सर्च करें और कितने लेटर लेकर आएँ, तो मैंने कहा कि देखो यहाँ कितने स्पेस कहाँ तक है, 4 तक है, -1 कर दिया, एक स्पेस कम कर दिया, क्योंकि लेटर 3 है ना, इंटर, ये रिजल्ट मेरे पास पॉपुलेट हो गया।
तो मैंने टैक्स की मदद लेते हुए एक्चुअली रिजल्ट को कॉल करवा दिया, और मैं इसी के अंदर सर्च को ऐड भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये तो मुझे एक अलग कॉलम में काम करना पड़ा, अगर मैं एक कॉलम में काम ना करना चाहूँ तो मैं इसको यूँ भी कर सकता हूँ कि आप सर्च करो फाइंड टैक्स किसको स्पेस को कहाँ से इस रेंज में से और -1 कर देना एंड देन एंटर। ये रिजल्ट मेरे पास पॉपुलेट हो गया, बेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये लेफ्ट का और राइट के फॉर्मूले का रिप्लेसमेंट है जिसको आप फ्लैश फिल के जरिए टेक्स्ट टू कॉलम के जरिए देख सकते हैं। फिर उन्होंने एक सवाल किया है कि ट्रिम बता दें। ट्रिम क्या होता है कि आपके टेक्स्ट के दरमियान कोई स्पेस आ रहा होता है, ठीक है। एक नाम है सपोज करें इरफान वजीर, ठीक है। एक नाम है सपोज करें अली स्पेस अहमद, ठीक है। एक नाम है सपोज करें स्पेस फाहद रिजवान और स्पेस। अब ट्रिम क्या करता है कि एक्चुअल में स्पेसेस को ख़त्म करता है, लेकिन ये सम सिनेरियोज में फेल भी है, ठीक है। ट्रिम मैंने लिखा और मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया एंड देन इंटर, ये देखें बिल्कुल परफेक्ट काम हो गया। इंटर किया, ड्रैग किया, ये रिजल्ट बिल्कुल परफेक्ट मेरे पास पॉपुलेट हो गया, ठीक है। तो स्पेसेस ख़त्म हो गए और जो अनऑर्गेनाइज डाटा था उसको उसने क्लीन कर दिया। दूसरी सिचुएशन में आप क्या करते हैं कि इसके एक स्पेस बार को सर्च कराते हैं। तो मैंने सिंपल क्या किया, शिफ्ट कीबोर्ड से माउस से जो है वो क्लिक प्रेस करके रखा और एक रेंज बना ली, कंट्रोल सी किया, कॉपी किया, इस पूरे डाटा को सेलेक्ट किया, कंट्रोल एच रिप्लेस की शॉर्टकट है, जो मैंने कॉपी किया हुआ था स्पेस बार उसको पेस्ट किया और उसकी जगह पर रिप्लेस, मुझे कोई स्पेस नहीं चाहिए, रिप्लेस ऑल कर दिया एंड देन ओके एंड देन ओके। तो ये डाटा मेरे पास जो है वो अनऑर्गेनाइज सी यहाँ पर पॉपुलेट हो रहा है। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं कि आप डाटा को कैसे लेकर आना चाहते हैं, विद स्पेस लेकर आना चाहते हैं, विदाउट स्पेस लेकर आना चाहते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस की मदद से आप इसको ठीक करना चाहते हैं, या आप एक्चुअल के अंदर ट्रिम के फार्मूला से यूज़ करते हैं। फिर एक सवाल इन्होंने पूछा है कि सब्स्टिट्यूट किस तरह से किया जाता है। तो सब्स्टिट्यूट का एक्चुअली फ़ायदा ये होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक डेट आ रही है 11 तारीख 11वां महीना 2020, ठीक है। और मैं जब इसमें से डॉट को हटा दूंगा, स्लैश या डैश लगा दूंगा तो मेरा मसला हल हो जाएगा। फिर से तरीका यही है कि मैं इसको जो है वो या तो कंट्रोल एच कर दूं, ठीक है, कंट्रोल एच कर दूं, और मैं इसे कहता हूं कि तुमने जो है वो डॉट को ढूंढना है और उसकी जगह पर डैश लगा देना है और रिप्लेस ऑल कर दिया और ओके कर दिया, ये देखें मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये डेट के फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट हो गया। और डेट जो है वो न्यूमेरिकल होती है, जब भी डेट का फॉर्मेट ये सेट होगा तो वो आपको राइट अलाइन नज़र आएगी, और डॉट के साथ आपने लिखा है तो ये टेक्स अलाइन है, ठीक है। इसका अलाइनमेंट आप देख सकते हैं राइट पर है, लेफ्ट पर है। तो दूसरा एक फार्मूला यूज होता है सब्स्टिट्यूट, ठीक है। सब्स्टिट्यूट में कहता है कि टेक्स क्या है जिसको ढूंढना है, किस में से टेक्स को ढूंढना है, तो मैंने कहा कि इसमें से टेक्स को ढूंढना है, ठीक है। कौन सा टेक्स ढूंढना है, तो मैंने कहा इस डॉट को ढूंढना है, और इसी जगह पर क्या लेकर आना है, तो मैंने कहा इसकी जगह पर तुम स्लैश लेकर आ जाओ एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर, ये मसला हल हो गया हमारा। तो सब्स्टिट्यूट के ज़रिए भी हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आई एम सॉरी कि ये आई एम श्योर कि अहमद, ये आपके सवालों के जवाब हो गए। नजीब साहब सॉरी टू डिस्टर्ब यू, पूछना था कि अगर मुझे सर्टिफिकेट कब और कैसे मिलेगा सैलानी वालों की तरफ से। अच्छा, तो नजीब साहब, और चूंकि ये सवाल बड़ा कॉमन है और मुझे पता है कि ये आज भी आया है और आगे भी आएगा, तो देखें मैंने एक जगह पर ये अर्ज़ किया था कि मेरा ट्रेनिंग से ताल्लुक़ है, तो सर्टिफिकेट का से रिलेट कोई भी क्वेश्चन का आंसर जो है वो मैं देने की पोजीशन पे नहीं हूँ, क्योंकि सर्टिफिकेट वही इंस्टीट्यूशन इशू करेगा जिनको जिनके प्लेटफॉर्म को आपने ज्वाइन किया है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप अगर उन्हीं लोगों से कोऑर्डिनेट कर लें कि जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, तो वो आपको सर्टिफिकेट कैसे देंगे, आप तक कैसे और कब पहुँचेगा, उसकी टाइमलाइन क्या है, तो ये लोग आपको ज़्यादा बेहतर तौर पे गाइड कर सकेंगे। आपको ट्रेनिंग से रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो आप डेफिनेटली मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। सर्टिफिकेट का मुझे बिल्कुल भी कोई भी कुछ भी नहीं पता, और मेरी सबसे रिक्वेस्ट भी है कि काइंडली मुझे सर्टिफिकेट के लिए कभी भी कोई सवाल नहीं पूछना, क्योंकि नहीं पता था तो पूछ लिया कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आगे आप लोग मुझसे ये अवॉइड करना क्योंकि मुझे उसके बारे में पता नहीं है, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो आपको ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। ओ, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा राफे, अगर आपने ये शीटें किसी और के साथ शेयर की भी और आपने लाइव शेयर डाटा उठाया हुआ है तो ये तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। गूगल फॉर्म से भी डाटा अगर आप लेकर आ जाते हैं तो ये तो ज़िंदगी आसान कर देता है।
आरएफ ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, जो कॉन्सोलिडेटेड की कमांड हमने यूज़ की उसके अंदर अगर दो फाहद अगर एक लिस्ट के अंदर आ रहे हैं और आप मानते हैं कि ये दोनों अलग अलग हैं, तो आप लिस्ट के अंदर भी दोनों फाहद को अलग अलग करें, एक फाहद मुस्तफ़ा है एक फाहद कमाल है, तो आप ये बताएं कि जी फाहद मुस्तफ़ा कौन है फाहद कमाल कौन है, ठीक है, तो इस सिस्टम अंडरस्टैंड करेगा। अगर आपने सेम स्पेलिंग्स लिखी हुई हैं तो उसको तो नहीं पता ना कि ये दोनों जो है वो अलग अलग लोग हैं, तो आपको उसे एजुकेट करना पड़ेगा। वंस अगर आप उसकी उसको एजुकेट कर देंगे तो डेफिनेटली डाटा जो है वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा साहिर, मेरी जो वेबसाइट का एड्रेस है वो है httpexcelguru.pk, ठीक है, तो आप इसको विज़िट कर लें, और इसको अगर आपके पास कैमरा है तो इसकी पिक्चर ले लें, तो ये फर्दर आप रिव्यू कर लीजिएगा। इसमें आपको अपकमिंग जो मेरा प्रोग्राम है कल और फ्यूचर में भी अगर कोई प्रोग्राम्स होंगे तो उसके बारे में मिलता रहेगा। अच्छा आमिर, फाइल ड्रॉप मैं कौन सी कर दूँ? चले कर दूंगा, वैसे तो एचआर वाली फाइल पर ही काम किया हुआ है, तो कोई खास तो हमने नई फाइल एक आधी है ये कॉन्सिलेटेड वाली यूज़ की है। उमर, इंजीनियर्स के साथ तो करंटली कोई कोर्स नहीं चल रहा है, लेकिन मैंने डेस्कॉन के साथ और बहुत सी दूसरी फर्म्स के साथ इंजीनियर्स के साथ बड़ा काम किया है। अगर आप बीई की बात करें, बैचलर्स ऑफ इंजीनियर्स जो कि कंप्यूटर्स के होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो फिर तो वो तो हर रोज़ टकरा रहे होते हैं किसी न किसी कंपनी के प्लेटफॉर्म से। एमएस के लोग होते हैं, बीएस के लोग होते हैं, ठीक है, और अगर आप प्योर इंजीनियर्स की बात कर रहे होते हैं जो ऑटोमोबाइल्स और टैक्स उसमें काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शंस के अंदर हैं, तो उनसे बहुत अरसे से मुलाकात नहीं हुई है। साहिर, काफ़ी लेसन्स की जो वीडियोस नहीं है, आई एम श्योर कि अगर आप ग्रुप को स्क्रॉल करेंगे तो उसमें मिल जाएगा, और मेरा ख्याल है कि एक्सेल एडवाइस नाम का एक ग्रुप क्रिएटेड है यूट्यूब पे, तो वहाँ पर भी कुछ वीडियोस हैं, आई बिलीव कि आपको वहाँ से भी हेल्प मिल जाएंगी, उसको भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा। नहीं मोहम्मद जुनैद, मैं अभी और कोई भी कोर्स इस प्लेटफॉर्म पे जो कर रहा था वो एक एक्सेल एडवांस डैशबोर्ड का था, और ये आपका कोर्स था एक्सेल बेसिक टू एडवांस का, तो ये दो प्रोग्राम्स हैं, और कल एक सक्सेसफुली क्लोज़ किया, इंशाल्लाह आज आपके प्रोग्राम को सक्सेसफुली क्लोज़ करेंगे, तो अभी कोई और कमिटमेंट इनके साथ लॉक नहीं है, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह अगर कोई चांस मिला तो आगे करेंगे। मैं ख्याल रखूँगा आरिफ। ऑलराइट जी, सो आखिरी एक टॉपिक पे चलते हैं कि हमारे पास डाटा पीएमटी पीपीएमटी और आईपीएमटी से रिलेट अगर है तो वो कैसे पॉपुलेट होता है, एंड देन वी क्लोज दिस सेशन। और ये टॉपिक है हमारे पास व्हाट इफ एनालिसिस के नाम से, ठीक है। व्हाट इफ एनालिसिस का जो एक्चुअल पर्पस है इंस्टीट्यूशन के अंदर वो बहुत ही कॉमन और बहुत ही पावरफुल फंक्शन है। मिसाल के तौर पर मेरी एक इंस्टीट्यूशन ने एक डेटा यहाँ पर एक बैंक का एक छोटा सा डेटाबेस एक एग्जांपल यहाँ पर मौजूद है, और इसमें यह बताया गया है कि एक साहब बैंक में आते हैं और उन्होंने कहा कि जी मुझे अकाउंट ओपन करना है, और अकाउंट ओपन करने में आप मेरी मदद करें और मुझे पैसे डिपॉजिट करने, तो प्रॉफिट कितना मिलेगा? तो प्रॉफिट के लिए एक बैंक ने उसे बताया कि आपको 8% प्रॉफिट मिलेगा, और साहब ने कहा कि मैं 25,000 रुपये हर साल के हिसाब से 5 साल तक डिपॉजिट करने में इंटरेस्टेड हूँ, और उसके बाद मुझे 30,000 रुपये के हिसाब से पर एनम विड्रॉल करने और अगले 7 साल में विड्रॉल्स करने, और इस तरह से मुझे प्लान बना के दें कि मेरा जो पैसा है वो लास्ट में ज़ीरो हो जाए, यानी अकाउंट में उसके बाद कोई पैसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में एक कैलकुलेटर मुझे यहाँ पर डिज़ाइन करना है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, ये कैसे जो है वो क्रिएट होगा। तो जब साहब बैंक में आए और उन्होंने अकाउंट ओपनिंग के लिए रिक्वेस्ट की, तो ज़ाहिर है जब जैसे अकाउंट खुला तो उसके अकाउंट में कोई पैसा नहीं था, और उन्होंने इनिशियली डिपॉजिट कर दिए 25,000 रुपये, ठीक है। सो फार्मूला हमने कनेक्ट कर दिया इक्वल टू 10 साल एंड देन इंटर, सो 25,000 रुपये इसने पहले डिपॉजिट कर दिए, और अगले 5 साल तक ये डिपॉजिट्स होंगे, तो इसलिए मैंने उन 5 साल के लिए इसको ट्रैक कर दिया, तो तमाम रिजल्ट्स मेरे पास यहाँ पर 25,000 रुपये के हिसाब से पॉपुलेट हुए, और अगले 7 साल तक फिर वो 30,000 रुपये के हिसाब से विड्रॉल्स भी होंगे, तो मैंने इक्वल टू इस 30,000 से कनेक्ट किया, और इसी सेल को ऊपर वाले सेल के साथ कनेक्ट कर दिया एंड ड्रैग कर दिया, तो ये 30,000 के हिसाब से विड्रॉल्स होना शुरू हो गए।
अब मुझे प्रॉफिट कितना मिल रहा है, जो मेरा अकाउंट में ओपनिंग था यानी साल की ओपनिंग थी और जो मैंने डिपॉजिट किया, उन दोनों मिलाकर मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए। सो मैंने फार्मूला लगाया इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, दोनों सेल्स मैंने सेलेक्ट किए, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय 8% प्रॉफिट मिल रहा है पर एनम। सो मैंने इसे सेलेक्ट किया, कीबोर्ड से F4 लॉक किया एंड देन एंटर। सो पहले साल मुझे प्रॉफिट हो रहा है 2,000 रुपये एंड देन सेम फार्मूला को ड्रैग कर दिया तो हर साल का प्रॉफिट यहाँ मेरे पास पॉपुलेट हो गया। साल के आखिर में मेरे अकाउंट में पैसे कितने हो गए, सो मैंने इन तीनों फिगर्स को सेलेक्ट किया एंड देन ऑल्ट इक्वल किया। सो साल के आखिर में मेरे पास जो अमाउंट हो गई अब वो 27,000 हो गई, इसी फार्मूला को मैंने ट्रैक कर दिया। साल के आखिर की जो क्लोजिंग है वो डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग है, सो मैंने इस फार्मूला को सेकेंड ईयर की ओपनिंग को लास्ट ईयर की क्लोजिंग के साथ कनेक्ट किया एंड देन इस फार्मूला को ट्रैक किया। सो मेरा ये पूरा कैलकुलेटर कंप्लीट हो गया। अब इस कैलकुलेटर में एक प्रॉब्लम है, एक बग है, वो प्रॉब्लम यह है कि मैं ये चाहता हूँ कि लास्ट में भी 30,000 रुपये मुझे मिल जाएं, जबकि सेकंड लास्ट ईयर में मेरे पास जो बैलेंस अमाउंट मौजूद है वो 13,673 है, उस पर जो 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 बैलेंस मेरे पास आ रहा है वो बहुत ही लिमिटेड है। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉफिट मुझे मिल गया, जो बेनिफिट है वो बहुत ही लिमिटेड मुझे मिल रहा है, यानी 30,000 रुपये पूरे नहीं मिल रहे, 17,000 रुपये शॉर्ट है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप कैसे इस फार्मूला को कैलकुलेट करेंगे कि आपके पास यहाँ पर एंड रिजल्ट ज़ीरो हो जाए? डेफिनेटली क्लाइंट को आपको बताना पड़ेगा कि या तो वो आपके डिपॉजिट्स को बढ़ा दे या विड्रॉल्स को कम कर दे। तो अगर मैं डिपॉजिट्स को सपोज़ करें बढ़ाकर 26,000 करता हूँ एंड देन एंटर, तो अब देखें अभी भी 6,000 रुपीज़ शॉर्ट है। अगर मैं इसे 26,500 करता हूँ तो अभी भी 1,300 रुपये शॉर्ट हो रहे हैं। अगर 26,550 कर देता हूँ तब देखें 800 रुपये शॉर्ट हो रहे हैं। तो यानी ये एक बहुत ही मुश्किल मामला है कि एग्जैक्टली मैं कितने अमाउंट क्लाइंट से वसूल करूँ जिससे मेरा जो है मसला है वो हल हो जाए। ठीक है, ना प्रॉफिट में रहना चाहिए ना नेगेटिव में जाना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, अपने लास्ट सेल जिसकी अमाउंट को मुझे ज़ीरो करना है, मैं इस सेल पे मौजूद हूँ और मैं चला जाता हूँ डाटा के टैब के अंदर, व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर, और यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ गोल सेक को। गोल सेक में मुझसे पहला सवाल करता है कि आपको टू वैल्यू, आपको रिजल्ट किस सेल पर अपडेट करना है। तो मैंने कहा मेरा रिजल्ट जो अपडेट कर दो वो ये सेल होना चाहिए। टू वैल्यू, इस सेल की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? सो मैंने कहा इस सेल की वैल्यू ज़ीरो हो जानी चाहिए। बाय चेंजिंग सेल, क्लाइंट क्या कहता है कि वो डिपॉजिट्स बढ़ाएगा या विड्रॉल्स कम करेगा? तो हम कहते हैं कि क्लाइंट ने कहा है कि वो अपने डिपॉजिट्स को बढ़ाएगा। सो हमने डिपॉजिट के सेल को सेलेक्ट किया एंड देन सिंपली ओके एंड देन ओके। सो देखें क्लाइंट अगर 26,623 रुपये 78 पैसे एवरी ईयर डिपॉजिट करता है तो उस हिसाब से 5 साल तक वो जो डिपॉजिट्स करेगा तो नेक्स्ट 7 साल तक वो विड्रॉल्स कर सकता है 30,000 रुपये के हिसाब से, और इस तरह से कि आखिरी में उसके बैलेंस में ज़ीरो आ जाएगा। तो ये एक बहुत ही स्मार्ट कैलकुलेशन और बहुत क्विक कैलकुलेशन हमें चाहिए थी जो कि गोल सेक के अंदर ने हमें करके दी, वरना हम बैठे बैठे नंबर ही टाइप कर रहे थे और उसको क्रॉस चेक कर रहे थे कि एग्जैक्टली ये एंड के अंदर जो है वो अपडेटेड रिजल्ट आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो व्हाट इफ एनालिसिस एक ऐसा फंक्शन है कि जो कि फाइनेंशियल फंक्शंस के अंदर और स्पेशली जो कि फाइनेंशियल मॉडलिंग जैसे टॉपिक्स पढ़ रहे होते हैं अकाउंट्स वाले लोग हैं, आईकैप और आईसीएमए और सीए और इस तरह की फील्ड के लोग हैं, तो अगर आप लोग फाइनेंशियल मॉडलिंग पढ़ते हैं तो डेफिनेटली ये फार्मूला व्हाट इफ एनालिसिस आपकी गोल सेक के अंदर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और ये बहुत अलग अलग तरीक़ों से आपके पास आएगा कि कितना हम इन्वेस्टमेंट करें तो हमारे शेयर की मार्केट क्या होगी, या हम जो है वो कितने शेयर खरीदना चाहते हैं और हम कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे पास क्या आउटपुट होगा। तो ये सारी जो ग्रोथ है, सक्सेस है, ये आप देख रहे होते हैं ओवर द पीरियड जो कि गोल सेक इसमें आपकी हेल्प कर रहा होता है, राइट। और इसी के कनेक्टिविटी के अंदर एक और फार्मूला हम देख रहे हैं जो कि PMT, IPMT, PPMT से रिलेट, जो मैं आपसे अर्ज कर रहा था। सो फार्मूला है मेरे पास इनडायरेक्ट का, एक इनडायरेक्ट को भी देख लेते हैं देन उसी की कनेक्टिविटी में हम आगे चीज़ें देखते हैं। सो कैलकुलेटर मुझे बनाना है, मेरे पास शीट 1-2 पर एक कैलकुलेटर का पैटर्न मौजूद है जहाँ पर मुझे कुछ कैटेगरीज को सेलेक्ट करना है, उसकी सब कैटेगरी, उसका मॉडल, उसकी कॉस्ट एंड देन उस पर डाउन पेमेंट कितनी है, नंबर ऑफ ईयर्स के लिए क्या प्लान लिया जा रहा है। ठीक है, तो पूरा एक कैलकुलेटर, जैसे हम लोग शॉप पे जा रहे होते हैं हम इसको कहते हैं कि यार हमें एसी लेना है इंस्टॉलमेंट पे मिसाल के तौर पर, तो वह कहता है ठीक है जी एसी की कीमत जो है वो सपोज 60,000 रुपये, अच्छा डाउन पेमेंट कितनी है, तो उसने कहा सपोज 25% डाउन पेमेंट है और बाकी रिमेनिंग अमाउंट हम कैसे पे करेंगे, तो आपको वो चॉइस दे सकता है कि आप उसे 1 साल में दे दें, 2 साल में दे दें, 3 साल में दे दें। ठीक है, तो आपकी चॉइस है। मार्कअप कितना होगा, तो वो आपको बता देगा जी इस साल का मार्कअप सपोज़ 20% है, 25% है, तो मार्कअप आपको बता देगा। तो एक्चुअल के अंदर ये पूरा कैलकुलेटर बना कैसे है और उसके अंदर फिर हम देखेंगे PMT, PPMT के फंक्शंस को।
सो यहाँ डाटा कैसे कॉल होगा? तो मैंने डाटा को कॉल करने के लिए एक ऑलरेडी डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट की हुई है, जिसमें मैंने ये दिखाया हुआ है कि मेरे पास डिफरेंट कैटेगरीज है और ये कैटेगरी की क्वांटिटीज़ कम और ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। सो मेरे पास तीन डिफरेंट कैटेगरीज है, कार, लैपटॉप और मोटरसाइकिल। और सबसे पहली जो कैटेगरी है उसकी डिटेल मैंने टॉप पर रखी है, एंड देन उस जो जिन कार में मैं डील कर रहा हूँ उसकी डिटेल्स हैं, जिन लैपटॉप्स पर डील कर रहा हूँ उसकी डिटेल्स हैं, मोटरसाइकिल पर डील कर रहा हूँ उसकी डिटेल्स हैं, फिर कार में भी जिस कार पर डील कर रहा हूँ सुजुकी उसमें मॉडल है, डिटेल्स हैं, ठीक है। तो उसी की कनेक्टिविटी में आपको पेरेंट टू चाइल्ड का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर कंटिन्यूशन में मिल रहा है, डिटेल कंप्लीट डिटेल्स मिल रही है। तो सबसे पहले मैंने किया ये कि इस कंप्लीट डेटा को सेलेक्ट किया और मैं चला जाता हूँ फार्मूला टैब में, नेम मैनेजर में। मैं आपको बता दूँ कि इस वक्त मैंने कोई भी वेरिएबल क्रिएट नहीं किया हुआ, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं की हुई। मैं चला जाता हूँ क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में और मैं कहता हूँ कि जो टॉप पर हेडिंग दी हुई है उसको एज अ वेरिएबल बना दो और उसके नीचे जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को उस वेरिएबल के अंदर आप स्टोर कर दो। सो इसलिए मैंने सेलेक्ट किया टॉप रॉ को एंड देन ओके किया, एंड देन उसके बाद मैं क्रॉस चेक करने के लिए नेम मैनेजर में जाकर देखता हूँ तो ये सारी डिटेल्स मेरे पास पॉपुलेट हो रही है। अगर मैं क्रॉस चेक करना चाहूँ तो मैं सपोज कैटेगरी पर डबल क्लिक करता हूँ, कैटेगरी मेरी हेडिंग है और इसकी जो डिटेल्स हैं आप देखें उस कैटेगरी की हेडिंग के अंदर ये डिटेल्स स्टोर हैं। सिमिलरली अगर मैं सपोज कार पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कार से रिलेटेड जो डिटेल्स है वो यहाँ मुझे नज़र आ रही है, एंड देन सो ऑन मुझे सारी डिटेल्स पॉपुलेट हुई भी नज़र आ रही है। अब इस इन्फॉर्मेशन को मैं यहाँ पर कैसे कॉल करूँगा, लाइक मल्टी ड्रॉप डाउन। इससे पहले अब तक हमने जितना भी देखा था वो था कि डाटा के टैब के अंदर आप डाटा वैलिडेशन लिस्ट कैसे बनाते हैं, यानी सिंगल ड्रॉप डाउन कैसे बनाते हैं। तो हम यहाँ पर पहला तो ड्रॉप डाउन ही बना रहे हैं, मैं जा रहा हूँ डाटा वैलिडेशन में और मैंने कहा कि अलाउ करें एनी वैल्यू में से लिस्ट को, और सोर्स में मुझे अब लेकर आनी है नेम मैनेजर में से जो कैटेगरी नाम की जो मेरी हेडिंग है उसको यहाँ लेकर आना है। तो नेम मैनेजर के बॉक्स को ओपन करने के लिए कीबोर्ड से F3 बटन आप शॉर्टकट की है आप प्रेस करते हैं, सो नेम मैनेजर बॉक्स आपके पास ओपन होता है। इसमें से कैटेगरी को मैंने डबल क्लिक किया, ये यहाँ पर सेलेक्ट हो गया, एंड देन हम ओके करते हैं। सो मेरे पास डाटा वैलिडेशन लिस्ट यहाँ पर जो कैटेगरीज मैंने वहाँ पर क्रिएट की हुई हैं वो देखें यहाँ पर नज़र आना शुरू हो गई हैं। अब जब मैं जिस कैटेगरी को चूज़ करूँ तो उसकी सब कैटेगरी मुझे नीचे नज़र आती रहे, ठीक है। तो इस ऐसा करने के लिए मैंने डाटा वैलिडेशन की दोबारा मदद ली और लिस्ट को सेलेक्ट किया और सोर्स में अब मैं एक फार्मूला लिख देता हूँ इक्वल्स टू इन डायरेक्ट। इन डायरेक्ट फंक्शन एक्चुअली लुकअप करता है जो रेफरेंस आप उसको देते हैं, ठीक है। तो रेफरेंस क्या है, कैटेगरी, तो ये कैटेगरी की सब कैटेगरी को लुकअप करेगा, ओके। तो ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है। अगर मैंने कार ली हुई है तो यहाँ पर मुझे कार की डिटेल्स नज़र आ रही है, ये देखें सुजुकी होंडा BMW। अगर मैंने कार की जगह फॉर एग्जांपल लैपटॉप लिया है तो नीचे मेरे लैपटॉप की डिटेल्स नज़र आना शुरू हो गई। अच्छा, अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये डायनेमिक चेंज नहीं होगा, जैसे अगर सपोज मैंने कार ले लिया तो आप देखें नीचे वाला डायनेमिक चेंज नहीं है, आपको मैनुअली जाके बताना पड़ेगा कि कार में से कौन सा मॉडल एक्चुअल में चूज़ किया जा रहा है। तो ये ऑटो नहीं है, जैसे कुछ पार्टिसिपेंट ने सवाल किया था कि मैं ऊपर कोई प्रोडक्ट चूज़ करूँ तो उसकी सब डिटेल जो है वो सर्च हो जाए, तो ये सर्च नहीं हो रही। सर्च तो हो रही है लेकिन आपको मैनुअली जाकर सेलेक्ट ज़रूर करना पड़ेगा, अदरवाइज वो क्योंकि कैटेगरी बहुत सारी है ना तो वो इसलिए लुकअप खुद से नहीं करता कि क्लाइंट आपसे लेना क्या चाह रहा है। तो क्लाइंट मुझसे कार लेना चाह रहा है, ठीक है जी, तो कार कौन सी लेना चाहता है, उसने कहा जी मुझे सुजुकी कार चाहिए, ठीक है, कौन सा मॉडल चाहिए। तो मैंने कॉल लुकअप लगा दिया यहाँ पर लिस्ट में और मैंने कहा इनडायरेक्ट ब्रैकेट ओपन और इसके पेरेंट के साथ इसको कनेक्ट किया, एंड देन ओके। तो मेरे पास सुजुकी कार की प्रोडक्ट्स उसके मॉडल्स जो है वो पॉपुलेट होना शुरू हो गए। अगर मैं सुजुकी की जगह BMW लेता हूँ तो नीचे देखें BMW की कैटेगरीज आना शुरू हो गई, और अगर मैं होंडा लेता हूँ तो उसकी डिटेल्स मेरे पास यहाँ पर पॉपुलेट होना शुरू हो गई। तो यानी पेरेंट का चाइल्ड ऑटोमेटिकली लुकअप करके डाटा को लेकर आता है। अब उसकी कॉस्ट जो मैंने डिफाइन की है वो लुकअप करानी है, सो मैंने कहा कि भाई लिस्ट में जाकर इनडायरेक्ट ब्रैकेट ओपन और मैंने इसके पेरेंट के साथ इसको कनेक्ट किया, एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन ओके। यहाँ देखें मेरे पास टोटल कॉस्ट पॉपुलेट होना शुरू हो गई है, राइट। अब टोटल कॉस्ट का 25% मुझे डाउन पेमेंट लेना है, तो ये हमें आता है इक्वल्स टू जो एक्चुअल अमाउंट है मल्टीप्लाई बाय 25% एंड देन एंटर। ये रिजल्ट मेरे पास यहाँ पर पॉपुलेट होना शुरू हो गया, राइट। कितने साल के लिए लेना है, सो मैं चॉइस देता हूँ 1 से 3 साल। तो मैंने डाटा वैलिडेशन में जाकर यहाँ पर लिस्ट में से मैनुअली बना लिया 1,2,3 और मैंने यूज़र को कहा कि आप चूज़ करो यहाँ पर कितने साल के लिए आपको लेना है, और मार्कअप जो हम ले रहे हैं वो 20% ले रहे हैं, 22% चले लिख दिया है मैंने, तो 22% पर एनम हम मार्कअप ले रहे हैं। तो मेरी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो बनेगी क्या,
सो मैं ये प्रोडक्ट ले रहा हूँ, कार ले रहा हूँ, और उस कार में मैंने चूज़ किया है होंडा कार को, कैटेगरी 2 है, प्राइस इसकी आ रही है, डमी नंबर है, आप समझ सकते हैं, उसकी जो डाउन पेमेंट है वो यहाँ पर आ रही है, 2 ईयर्स के लिए प्लान है मेरा, मैक्सिमम मैं 3 ईयर और मिनिमम 1 ईयर पे जा सकता हूँ, और मार्कअप मुझे अप्लाई होगा पर एनम 22%। सो मुझे इंस्टॉलमेंट कितनी पे करनी है हर महीने? सो फार्मूला है इक्वल्स टू PMT ब्रैकेट ओपन, इससे मुझसे सवाल क्या कि रेट बता दें, तो मैंने कहा कि रेट है 22%। इस 22% ये जो रेट है एक्चुअल में ये पर एनम एक साल के हैं, तो मैंने डिवाइड कर दिया इसको 12 से, ठीक है, तो एक साल का 22% को डिवाइड कर दिया 12 से, तो पर मंथ का मार्कअप आ गया, कॉमा नंबर ऑफ पीरियड बता दें कि ये कितने साल के लिए आप प्लान बना रहे हो, तो मैं ले रहा हूँ 2 साल के लिए, लेकिन जब मैं इस 2 को मल्टीप्लाई बाय 12 करूँगा तो 2 साल मेरे पास आएंगे, कॉमा प्रेजेंट वैल्यू क्या है, भाई कार की कीमत तो ये है, लेकिन मैं 25% तो दे चुका हूँ ना, तो माइनस दिस अमाउंट, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है उसके ऊपर आपने मार्कअप लगाना है 22% पर मंथ के हिसाब से, और उसको डिवाइड करना है 12 मंथ पे, एंड देन इंटर, तो मेरे पास एक रिजल्ट आ गया 1649। अच्छा, ये फार्मूला हमेशा आपको डॉलर में और नेगेटिव में आंसर देगा, तो इसको फिक्स करने का तरीका ये होगा कि आप PMT के बाद माइनस का साइन लगा दें, इंटर, तो ये पॉजिटिव में आंसर आना शुरू हो जाएगा, और कॉमा पे क्लिक कर दें तो ये आपके एक्चुअल नंबर डेटा फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट हो गया है। अब अगर आप यहाँ पर चेंज करते हैं, सपोज़ करें मैं कार नहीं ले रहा, मैं लैपटॉप ले रहा हूँ, और लैपटॉप के अंदर मैंने HP का लैपटॉप चूज़ किया है, और मॉडल उसका 1 चूज़ किया है, और उसकी प्राइस मेरे पास है 9466, ये मेरे पास प्राइस आ गई, उसकी जो 25% उसकी डाउन पेमेंट है वो मेरे पास आ गई, 2 साल के लिए नहीं प्लान कर रहा मैं, 2 साल के लिए अगर ले रहा हूँ तो मेरे पास ये मंथली इंस्टॉलमेंट बन रही है, अगर मैं 1 साल के लिए लूँगा तो डेफिनेटली अमाउंट इंक्रीज़ हो जाएगी, और 3 साल के लिए लूँगा तो ऑटोमेटिकली अमाउंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, तो ये डाटा जो है वो लाइफ अपडेट हो रहा है, परसेंटेज अगर चेंज करते हैं हम मार्कअप की तो ऑटोमेटिकली हमारे डाटा के ऊपर लाइफ रिफ्लेक्ट वो कर रहा है, तो ये एक लाइफ कैलकुलेटर हमारा डिज़ाइन हो गया है। डेफिनेटली इसके अंदर हिडन चार्जेस भी हम रखते हैं, सर्विस चार्जेस हैं, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस हैं, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग एक्चुअल में ले रहे होते हैं, तो कुछ एडिशनल अमाउंट को आप कैलकुलेट करके भी यहाँ पर दिखा रहे होते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि एक पूरा कैलकुलेटर आप यहाँ पर कैसे बनाते हैं। अब इसी का लास्ट हम देखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर क्लाइंट मुझसे कहता है कि यार ये आप मुझसे पेमेंट तो ले रहे हैं, सपोज 680 268 जो है वो डॉलर आप मुझसे पेमेंट ले रहे हैं, तो आप मुझे ये बता दें कि कितना पैसा मेरा प्रिंसिपल में जा रहा है, कितना पैसा मेरा मार्कअप में जा रहा है। तो मैंने 2 फार्मूले अप्लाई करने हैं, एक है PPMT, एक का नाम है IPMT, और एक है हमारा टोटल। पीरियड का मतलब है कि कितने साल के लिए प्लान है, तो हम 36 महीने का प्लान बना रहे हैं, तो मैंने इसको डिफॉल्ट क्रिएट कर दिया कैलेंडर को 1 से 36 तक, तो इससे फायदा ही होगा कि डेटा जब भी आएगा वो इसी सीक्वेंस के अंदर अंदर आएगा, ठीक है। PMT PPMT प्रिंसिपल फॉर्मूला है इक्वल्स टू, अच्छा इफ एरर के साथ स्टार्ट करते हैं, PPMT कहता है रेट बता दें, तो अगेन हमें पता है कि रेट इस वक्त चल रहा है 20%, सो मैंने 20% को सेलेक्ट किया, लेकिन ये जो 20% है हमें पता है कि ये पर ईयर है, और इस साल को मैंने लॉक करना है क्योंकि मैं इस फार्मूला को फ्यूचर में नीचे ट्रैक करने वाला हूँ। सो कीबोर्ड से मैंने F4 बटन प्रेस किया और इसे डिवाइड कर दिया 12 मंथ से, कॉमा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पर, पर का मतलब है पीरियड, कौन सा पीरियड है ये वाला, तो ये है पहला पीरियड, पहला महीना, कॉमा नंबर नंबर ऑफ पीरियड कितने हैं, कितने साल के लिए आप लोन ले रहे हैं। सो मैं लोन ले रहा हूँ 3 साल के लिए, इस साल को मैंने लॉक किया और मल्टीप्लाई बाय 12 कर दिया, तो ये 36 मंथ इसके पास आ गए, कॉमा प्रेजेंट वैल्यू क्या है आपकी, ये एक्चुअल अमाउंट है लॉक किया से माइनस, लेकिन ये मैं डाउन पेमेंट दे चुका हूँ इसे मैंने लॉक किया। सो ये फार्मूला एग्जीक्यूट हो, अगर इस एग्जीक्यूशन में कहीं पर एरर आता है या सेल ब्लैंक होते हैं, तो हमने कहा कि वहाँ पर आप जीरो प्रिंट करना या डैश प्रिंट करना, इफ एरर का ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर, और यहां पर मैंने बिल्कुल बिगनिंग में इफ एरर के साथ माइनस का सिंबल लगा दिया, सो मेरे पास अमाउंट जो है वो कैलकुलेट होकर आ रही है 148 जो है वो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट जा रहा है, और एवरी जैसे जैसे मंथ बढ़ेंगे ऑटोमेटिकली मेरा प्रिंसिपल जो है वो इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। अब यही फॉर्मूला, अच्छा अगर मैं इस साल कम करूंगा तो फायदा ये होगा कि नीचे जो है वो, अच्छा ये एरर आ रहा है अभी भी, तो मैं इसको
ज़ीरो कर देता हूँ और चेक करता हूँ कि अब क्या हो रहा है। राइट, तो जहाँ पर 24 महीने में इंस्टॉलमेंट ख़त्म हो जा रही है तो उसके बाद के जो सेल्स है वो ब्लैंक हमें नज़र आना शुरू हो गए। ठीक है, अच्छा अब यही पूरा फॉर्मूला मैंने कॉपी किया कंट्रोल सी और बराबर में IPMT की जगह पर प्लेस किया और इस फार्मूला में सिर्फ करेक्शन कर दी IPMT, दैट्स इट, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। इंटर। सो पहले महीने जो मेरा इंस्टॉलमेंट जाएगा उसमें मेरा इंटरेस्ट जो जा रहा है वो ज़्यादा शुरू में ज़्यादा जा रहा है, बाद में ऑटोमेटिकली कम होता जा रहा है। और अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो ये सेम आंसर आ रहा है 368। यस, तो ये 368 आ रहा है, ऑल्ट इक्वल का फार्मूला मैंने लगाया है। ये देखें, हर महीने जो आपको चेक देना है वो तो 368 का देना है, लेकिन आपका कितना पैसा प्रिंसिपल में जा रहा है, कितना पैसा आपका इंटरेस्ट में जा रहा है, तो ये सिंपल कैलकुलेशन आपने यहाँ पर परफॉर्म कर ली। और ऊपर आप जैसे जैसे चेंजिंग करेंगे ऑटोमेटिकली आपके रिजल्ट्स के अंदर वैसे वैसे चेंज आना शुरू हो जाएगा, डाटा जो है वो लाइफ आपके पास पॉपुलेट हो जाएगा। राइट, सो आई एम श्योर कि ये यहाँ पर क्लियर होगा। और अगर किसी के पास कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो आप बता सकते हैं। एक सवाल मेरे पास आया था, व्हील इंडेक्स मैच को रिवाइज़ कर दें, तो इंडेक्स मैच को रिवाइज़ करने के लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूँ और इससे कुछ नया भी सीखने मिलेगा। और मीन वाइल अगर कोई सवाल है आपके पास तो काइंडली आप वो ड्रॉप कर सकते हैं। सो फार्मूला है पिक्चर लुकअप। देखिए मेरे पास यहाँ पर एक शीट है जिसमें डिफरेंट प्रोडक्ट टीम के लोगो यहाँ पर मौजूद हैं। मुझे एक ऐसा फॉर्म बनाना है जिसमें मैं एम्प्लॉय का नाम जब सेलेक्ट करूँगा तो एम्प्लॉय की पिक्चर भी आ जाए। ठीक है, मैं अगर कोई प्रोडक्ट को चूज़ करूँ तो उस प्रोडक्ट की पिक्चर आ जाए। ठीक है, मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ जिसमें मेरे पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं और मैं किसी भी प्रोडक्ट को चूज़ करूँ तो उसका कोड सेलेक्ट करूँ तो उसकी पिक्चर मेरे पास आ जाए, तो मुझे समझ में आएगा इसकी इसका कलर क्या है, साइज़ क्या है, स्टाइल क्या है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, हमने पहले भी एक एग्जाम्पल में देखा था कि पिक्चर या चार्ट को कॉल करना एक्सेल में आसान नहीं है। आपको करना ये होता है कि ये पिक्चर या जो चार्ट है उसको एक सेल की प्रॉपर्टी बनानी होती है और फिर आप सेल को कॉल करते हैं तो सेल के अंदर रखी हुई जो इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो चार्ट है, पिक्चर है, वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाती है। और ये कैसे होगा? ये नेम मैनेजर की मदद से होगा। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लब के नेम्स को ड्रॉप डाउन के अंदर दिखाना चाहता हूँ। सो ऐसा करने के लिए मैंने डाटा में जाकर, डेटा वैलिडेशन में जाकर यहाँ से ड्रॉप डाउन को चूज़ किया लिस्ट, और सोर्स में जाकर मैंने इन तमाम क्लब के नेम्स को सेलेक्ट कर लिया एंड देन ओके। सो मेरे पास यहाँ पर क्लब के नेम्स पॉपुलेट होना शुरू हो गए। अब मुझे पिक्चर कॉल करनी है, सो मैं चला जाता हूँ फार्मूला टैब में नेम मैनेजर के अंदर और यहाँ न्यू के अंदर, और मैंने फार्मूले का नाम दे दिया लाइक पिक्चर, और फार्मूला क्रिएट करता हूँ इक्वल्स इंडेक्स ब्रैकेट ओपन। इंडेक्स पहला सवाल करता है कि लुकअप वैल्यू ढूंढना क्या है, तो मैंने कहा कि आप जो है वो ये पिक्चर्स को ढूंढें। तो मैंने पिक्चर्स के तमाम सेल्स को सेलेक्ट किया और ये माउस के ज़रिए नहीं होगा, आपको कीबोर्ड की हेल्प लेनी होगी। ठीक है, एरो कीज़ के ज़रिए रेंज बना दी। ये पिक्चर को वो कैसे लेकर आए? तो हमने कहा कॉमा आप मैच करें। किसको मैच करें? मैच में पहला सवाल होता है लुकअप वैल्यू ढूंढना किसको है। हमने कहा आप इस टीम नेम को ढूंढें, कॉमा दूसरा सवाल है कहाँ से ढूंढना है, हमने कहा आप इस लिस्ट में से ढूंढें, और कॉमा एग्जैक्टली ढूंढें, मैच का ब्रैकेट क्लोज, एग्जैक्ट का ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर एंड देन सिंपली क्लोज। ये मैच का फंक्शन हमारे पास अवेलेबल हो गया बैक एंड पे। अब इस फंक्शन को यूज़ कैसे करेंगे? इस पिक्चर को मैंने कॉपी किया कंट्रोल सी और यहाँ पर पेस्ट किया कंट्रोल वी, ये पिक्चर पेस्ट हो गई। इस पिक्चर को मैं लिंक कर देता हूँ अपने फार्मूला के साथ। सो मैं फार्मूला बार में जा रहा हूँ इक्वल्स और नाम दे देता हूँ पिक्चर एंड देन एंटर। आप देखें अब जब मैं कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर रहा हूँ उसका लोगो मेरे पास यहाँ पर पॉपुलेट हो रहा है। तो सेम तरीके से अगर आप डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करते हैं तो उसकी पिक्चर आपके पास यहाँ पर आसानी से कॉल होगी। तो इस बहाने हमने सीखा कि पिक्चर को लुकअप कैसे करते हैं। ये एग्जांपल अगर आपको याद हो तो हमने चार्ट को कॉल करने की जो टेक्निक सीखी थी मोर और लेस उसके जैसी ही है, और इंडेक्स मैच को थोड़ा सा रिवाइज भी कर लिया। अच्छा, ऑल अहमद गफ्फार साहब, आपने पूछा कि ऑल वीडियोस आर अवेलेबल ऑन एक्सेल एडवाइस यूट्यूब चैनल, तो आई एम श्योर कि आपको मिल जाएंगी। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप एक्सेल
गुरु मेरी वेबसाइट है, आप उसको भी विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत से टॉपिक्स मिल जाएंगे, और अगर आप आगे भी फ्यूचर में लर्निंग करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट जो है वो आपको सपोर्ट कर सकती है। अगर आपको एक्सेल एडवाइस के ग्रुप से जो वीडियोस पढ़नी है उसमें आपको करिकुलम से रिलेटेड डाटा मिलेगा, लेकिन अगर आप एक्सेल को में और पढ़ना चाहते हैं तो आप एक दफ़ा मेरी वेबसाइट को ज़रूर देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। अच्छा अब्दुल्ला मोहिब साहब, आई वॉन्ट टू आस्क वन क्वेश्चन, मुझे इन डायरेक्ट फंक्शन क्लियर नहीं हो रहा है, प्लीज़ वीडियो ग्रुप पर ऐड कर दें। बिल्कुल अब्दुल्ला साहब, मैंने अभी ये इन डायरेक्ट का फंक्शन रिपीट भी कर दिया है, और थोड़ी देर में ये जो है वो वीडियो आपके लिए अवेलेबल भी होगी, तो आई एम श्योर कि आपको उससे हेल्प भी मिल जाएगी। आरिफ साहब, बिल्कुल आज हमारी लास्ट सेशन है और ये हमारा लास्ट टॉपिक भी था, सो अगेन आई एम टेलिंग कि अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो काइंडली ड्रॉप कर सकते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप ग्रुप में भी ड्रॉप कर सकते हैं। तो एक्सेल एक ना ख़त्म होने वाला एक्सटेंसिव प्रोग्राम है, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ों को हमने टारगेट किया था जो कि एक्चुअल में एक जर्नी के तौर पर यूज़ होती है, या ऑफिस के अंदर जो आपको बेसिक टू एडवांस लेवल में जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो सकती है, जो क्वेश्चंस आपसे प्रॉपरली पूछे जाते हैं, जिन पर आपको कमांड होनी चाहिए, तो उसके मुतलिक जो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए उनको हमने अपनी इस पूरी ट्रेनिंग का पार्ट बनाया था। आई एम श्योर कि आपने इस ट्रेनिंग से बहुत कुछ लर्न किया होगा, और चूंकि एक्सेल मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ऑनगोइंग बेसिस पे लर्निंग है, तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, सोर्सेस अवेलेबल हैं जहाँ से आप अपनी स्किल सेट्स को मज़ीद डेवलप कर सकते हैं। सिर्फ पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करते हैं आपको लाइफ चैलेंजेस का अंदाज़ा नहीं होता है। तो आई एम श्योर कि इस पूरे सेशन के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों को जो है वो एक्सप्लोर किया, और अपनी जो कोऑर्डिनेशन है उसको हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। अगर किसी के पास कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ग्रुप पे क्वेश्चन को ड्रॉप कर सकते हैं, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपके ग्रुप पे उस क्वेश्चन को एड्रेस करने की कोशिश करूं। अगर कोई वीडियोस मेरे पास पहले से प्रिपेयर्ड होगी तो मैं आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको लिंक्स भी प्रोवाइड कर दूंगा उसी ग्रुप के अंदर, तो हम लोग कनेक्ट रहेंगे इंशाल्लाह, अगर कोई चीज़ें आपके पास रहेंगी तो। और अगर कुछ नहीं है तो फिर तो बहुत अच्छा है कि हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हैं। ऑलराइट, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।